श्रोताओं से भरा हुआ नजर आए और वक्ता जो है उनके इसमें भी जोश हो। वैसे उनके इसमें जोश में की कोई कमी नहीं है और उनके लिए शब्द भी अपूरे हैं। उनका हमारे आज की मेहमान श्री संदीप दीक्षित जी गुरु साहब, जो कि दिल्ली से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं। सम्माननीय संदीप दीक्षित जी पूर्व सांसद तथा आज के प्रमुख वक्ता भी जो है, और यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय कार्यकर्तागण और यहाँ उपस्थित इस हॉल में उपस्थित हर एक मेहमान, हमारे श्रोतागण, इन सभी का मैं शब्द सुमनों से हार्दिक स्वागत करती हूँ। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का। अतिथिगण, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस आमंत्रण को आपने स्वीकार किया। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम संविधान की प्रास्ताविका से करते हैं। संविधान उद्देशिका का पठन करने हेतु मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ एडवोकेट प्रीतिशा को। सभी से निवेदन है कि सर्वप्रथम आप खड़े हो जाएं और आपके मोबाइल्स को साइलेंट मोड पे कर लें। ये सभी से रिक्वेस्ट है। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित जय संविधान। शुक्रिया मैडम। आज इस सीडीसीसी सभागृह में उपस्थित प्रमुख अतिथि, सम्माननीय अतिथि, सभी आमंत्रित गण, आप सभी का मैं पुनश्च एआईपीसी चंद्रपुर टीम का अध्यक्ष होने के नाते मन पूर्वक स्वागत करता हूं। आइए स्वागत की प्रक्रिया को हम प्रारंभ करें। हम सर्वप्रथम स्वागत करना चाहते हैं हम सभी सेल्स के या अन्य संगठनों के जो कर्ता धर्ता होते हैं, जिनके नेतृत्व में सारा संगठन इस जिले में काम करता है। ऐसे दोनों महानुभव जिनके नेतृत्व में ये काम चल रहा है वो यहाँ उपस्थित है, हमारे मार्गदर्शक कर्ता धर्ता और एक पितृतुल्य व्यक्तित्व होने के नाते हम सर्वप्रथम उनका स्वागत करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं एआईपीसी टीम के तरफ से श्री निसार भाई को कि वो आए और चंद्रपुर जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और
राजूरा विधानसभा के आमदार श्री सुभाष भाव धोटे का पुष्प एवं सूत की माला द्वारा स्वागत करें। जिनके वचनों को वाणी को सुनने के लिए हम सभी आज यहाँ आज के हमारे प्रमुख अतिथि भूतपूर्व सांसद श्री संदीप दीक्षित जी। सदन को मैं उनका एक थोड़ा सा अल्प परिचय भी कराना चाहूंगा ताकि हमारे और उनके बीच में एक संबंध स्थापित हो सके और हम उनके बारे में और भी थोड़ा सा जान सके। संदीप जी दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की AICC के एक राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता हैं, साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व दिल्ली लोकसभा को प्रतिनिधित्व दो बार प्रदान किया है। आपका जन्म भी एक उल्लेखनीय दिन में हुआ है, 15 अगस्त 1964 का उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। शिक्षा में हमेशा वो आगे रहे हैं, बेंगलोर दिल्ली जैसे जगह पर जाकर उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन जो बाल्यकाल बोले या कॉलेज के लेवल का शिक्षण पूरा किया और बाद में उन्होंने रूरल मैनेजमेंट में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। रूरल क्षेत्र में उनकी अत्यधिक रुचि है, इसलिए उनके माध्यम से एक संकेत नामक से कई राज्यों में वो रूरल क्षेत्र में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्हें अभ्यास करने के अभ्यासु विद्यार्थी भी रहे हैं, बचपन से लेकर आज तक उनके अभ्यास के कार्यों को बहुत महत्व पढ़ाते भी हैं, लेक्चर्स भी लेते हैं और एज ए गेस्ट लेक्चर भी जाते हैं। साथ ही कई सदस्य होने के नाते योगदान दिया, साथ ही एक उत्कृष्ट वक्ता है जो अपने विषय में अपने श्रोताओं को बांध कर रखते हैं। आज एक विशेष अतिथि को हमने जो आमंत्रित किया है वो एक विशेष विषय लेकर आज हम सभी के बीच यहाँ उपस्थित है, क्योंकि हम सभी जानते हैं उस केंद्र को उन्होंने बहुत अच्छे से अभ्यास किया है, तो उनके जीवन के अभ्यास का लाभ हम सब तक कैसे पहुंचे इसका प्रयास हम लोगों ने किया और उन्हें इनवाइट किया और वो आज हमारे बीच उपस्थित है एक ऐसे विषय को लेकर जिसको लेकर समाज में कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है, कहीं ना कहीं एक हमारे महापुरुषों पर एक अलग अलग प्रकार के प्रश्न चिन्ह कभी कभी निर्माण किए जाते हैं। हमें ये मालूम नहीं, कई बार हमें अच्छे से ज्ञान नहीं होता है कि क्या सच है क्या झूठ। उसी में एक विषय यह है कि जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके संबंध कैसे थे, कैसे वो मिलजुल कर काम करते थे और कैसे उनके बीच में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे, यह सब जानने का प्रयास आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हुआ है। तो इस अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय को लेकर सच्चाई और झूठ इसको लेकर दो प्रकार का आज संबोधन होगा। आज दीक्षित जी पहले संबोधित करेंगे, फिर आपके मन में कोई सवाल हो जो आज का विषय से संबंधित हो उस पर एक चर्चा भी की जाएगी। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर संदीप जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका चंद्रपुर शहर की नगरी में पुनः स्वागत करता हूं और आज के उनके स्वागत हेतु मैं सादर आमंत्रित करता हूं चंद्रपुर ग्रामीण के अध्यक्ष श्री धोटे सर, चंद्रपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री रितेश तिवारी और AIPC की टीम की तरफ से श्री योगानंद चंदनवार, श्री जयंत देठे और श्रीमती अल्पना तिवारी को कि वे सब मिलकर आज के हमारे प्रमुख अतिथि जी का स्वागत करें। अग्रणी जी का मैं स्वागत करता हूं पार्षद
श्री दानव जी का, उसी तरह से श्री उमाकांत धांडे, श्री दिनेश चोखारे जी, श्री श्रीमती संगीताताई अमृतकर पूर्व महापौर चंद्रपुर, श्री डोंगरे जी, डॉक्टर गौरकर जी, जीसीआई के अध्यक्ष श्री अमित पोरेडीवार जी, इस प्रकार से और आमंत्रित सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मातृश्री स्कूल के प्राचार्य बिजवे सर, आप सभी का मैं पुनः स्वागत करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं आज के प्रमुख वक्ता श्री संदीप दीक्षित जी को कि वे आए और आज के इस कार्यक्रम की जो मुख्य कड़ी है उसको वो जोड़े। आ रहा था तो आमदार साहब मुझसे कह रहे थे कि आपकी तस्वीर और आपका चेहरा काफी हद तक मिलता है, काश इस तरह ज्यादा मिल रहा होता, थोड़े से बाल ज्यादा सफेद हो गए तब से और आपके बीच में, लेकिन ये पिछले 10 साल के राजनीतिक जीवन को दिखाता है। ये 2014 की तस्वीर है, 2024 की तस्वीर है। लेकिन मैं पहले आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ और AIPC का विशेष धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे मौका दिया यहाँ। पिछले कुछ सालों से आप लोगों ने भी देखा होगा, खासकर 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने और विशेषकर नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद इतिहास के कई मुद्दों पर हम लोगों ने बहुत नई नई चर्चाएं और नई नई बातें सुनी। बहुत सी चीज़ें जिसको अफवाहों में मान लिया जाता था या कहानियों में मान लिया जाता था और महापुरुषों के बारे में ये चीज़ें बनती रहती हैं, लेकिन कुछ समय बाद देखा गया कि उसमें ऐसी ऐसी बातें सामने आने लगी जो घिरी हुई थी, जिनमें घटियापन भी था, झूठ था, फरेब था। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको पलटने की जगह जो हमारे हिसाब से तथ्य हैं, सत्य है, इतिहास में क्या हुआ है, और ये तो वर्तमान का इतिहास है, कोई 200, 500, 600 साल पुराना नहीं है, उस पर अपनी बात लोगों के बीच में संवाद के रूप में जरूर रखनी चाहिए। और पिछले साल दो साल से बहुत से ऐसे विषयों पर मैं और हमारे कुछ और सदस्य हैं वो लोगों के बीच में जा जाकर अपनी बात रखते रहे। उसमें चंद्रपुर AIPC से बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि नेहरू जी का एक पक्ष विशेषकर यहाँ लोगों को इसमें रुचि है कि सरदार पटेल और उनके बीच में जो संबंध थे, और खासकर जो आजकल बातें बताई जाती है जिसमें एक तरफ दिखाया जाता है कि एक बड़ा धूर्त सत्ता के लालच में बिल्कुल मग्न मस्त एक नेहरू था जिसने एक क्रांतिकारी बहुत ही मेहनत करते हुए देश को जोड़ने वाले सरदार पटेल को, जो जिसको सही में हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की गद्दी मिलनी चाहिए वो नहीं दी, छल कपट से जीता और उसके बाद उसने देश के साथ क्या किया वो तो बाद की कहानी है। इसमें मेरे ख्याल से कभी कभी क्या होता है कि कुछ इमारतें फिर भी किसी सच के आधारशिला पर खड़ी होती है, लेकिन ये इतनी ज्यादा धूत पर आधारशिला पर खड़ी बात थी कि हम लोग भी इससे विचलित होते थे। तो जब AIPC ने कहा कि नहीं इस पर आकर कुछ बात करिए, तो मैंने कहा नहीं अवश्य मैं आकर इस पर बात करूंगा, और मेरा ध्येय ये रहेगा कि दो एक तरीके से समय रहे हैं जिसमें पंडित नेहरू और सरदार पटेल के बीच में रिश्तों की बात की जानी चाहिए। एक वो समय जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, वो समझ लीजिए सन 1919 से लेकर सन 47 तक, जब दोनों आज़ादी के आंदोलन में साथ थे, और सही में अगर इन दोनों में जोड़ीदारी होती है तो ये उस समय होती है जब ये दोनों आज़ादी के आंदोलन में साथ थे। और उसके बाद जो तीन या चार साल सन 47 से लेकर सन 50 सरदार पटेल की मृत्यु के पहले के जो तीन साल थे उसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा और उस पर कुछ विषयों को उठाऊंगा, और फिर उसके बाद जैसे भी आपके सवाल बनेंगे अगर समय बनता है तो उस पर कोशिश करूंगा कि उसका जवाब मैं दूं। मैं कंप्यूटर लेकर आया था क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूं वो तथ्यों के साथ कहता हूं, तो जो भी मैं आपको बातचीत बताना चाहता हूं वो पत्रों के माध्यम से उनके बीच में आपस में क्या संवाद हुआ, किसी और ने उनके बारे में क्या कहा, न्यूज़पेपर पे क्या कटिंग्स थी, इन पर अपनी बात हमेशा आधारित रखता हूं। बहुत कम कोशिश करता हूं कि किसी का केवल बिना तथ्य के विश्लेषण करूं, लेकिन थोड़ा सा कुछ टेक्निकल दूरी हो रही है, कंप्यूटर वहां रखा हुआ है, मैं यहां रखा हुआ हूं। अब मैं कोई प्रधानमंत्री तो होने की इतनी लंबी मेरी बांह हो जाए कि बार बार वहां बटन दबा सके, वो तो केवल उन्हीं के पास ऐसा पराक्रम है, मेरे पास तो है नहीं। तो मैं ये करूंगा कि उन चीजों को पढ़ूंगा, इतनी बात का आपको आश्वासन देता हूं कि जो भी पत्र या तथ्य मैं आपके सामने बताऊंगा या पढ़ूंगा वो सब पंडित जवाहरलाल नेहरू के कलेक्टेड वर्क से है, सरदार पटेल के कलेक्टेड वर्क से है, उन लोगों की लेखनियों से है जो प्रतिष्ठित लोग थे जिनके बारे में जाना जाता है कि इतिहास में इन्होंने तथ्यों को सामने रखा, और उनमें भी
जहां जहां उनके जो तथ्यों के हिसाब से उन्होंने बात कही है उसके क्या क्या प्रमाण है वो मैं आपके सामने रखूंगा। मैं इतना आपको आश्वासन दे सकता हूं कि जो भी मैं तथ्य आपके सामने रखूं वो सब के सब की कॉपीज मेरे पास हैं, और जिसको कभी किसी चीज की रुचि हो और किसी एक पर मुझसे पूछना हो संग्रहित रूप में या अलग अलग तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बड़ी बड़े शौक से आपको वो तमाम तथ्य मैं दे सकता हूं। शुरुआत में हमेशा किसी बात की शुरुआत करने में समय होता है, लेकिन जब आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी तो एक तरीके से मैं वहीं से शुरुआत करना चाहता हूं, और जो जिन तीन महापुरुषों की तस्वीर आपके सामने लिखी जाती है उसके नीचे त्रिमूर्ति शब्द दिया है, इन तीनों के कारण जो प्रियांबल या जो आप प्रस्तावना पढ़ रहे हैं संविधान की वो कैसे आई उसको मैं उसका एक संदर्भ देकर फिर मैं नेहरू जी और पटेल के रिश्ते के बारे में बात करूंगा। सन 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार पटेल थे और उस समय कांग्रेस में क्रांतिकारी भावनाएं आ रही थी, बहुत सी क्रांतिकारी बातें चल रही थी। ये वो समय था जब धीरे धीरे आपको याद होगा सन 20 के आंदोलन के बाद सन 32 में सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट आता है, कांग्रेस के अंदर में बहुत वैचारिक बातें चल रही थी और कांग्रेस में दो या तीन विचार के बड़े धड़े बनकर निकले थे, एक जो गांधीवादी थे जो गांवों को पुनः सृजन करने की बात कर रहे थे, और लेकिन उनके बाकी कुछ मूल सिद्धांत जो सेक्युलरिज्म की बात होती है राष्ट्रवाद की होती वो थे, दूसरा था जो थोड़ा बहुत दक्षिणपंथी आर्थिक सोच की बात करते थे, और एक जो समाजवादी विचार की बात करते थे जिसमें प्रतिष्ठित दो बड़े हमारे कांग्रेस के नेता थे सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन तीनों के मिश्रण से एक कराची रेजोल्यूशन निकल कर आता है और कराची रेजोल्यूशन उस कराची के अधिवेशन में उसको लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस ड्राफ्ट की एडिटिंग करते हैं सुभाष चंद्र बोस, उसको अधिवेशन में पढ़ते हैं महात्मा गांधी और उसकी अध्यक्षता करते हैं सरदार पटेल, और वो कराची का रेजोल्यूशन पास होता है। और यही चरित्र रहा है इन दोनों के बीच के तमाम रिश्तों का पूरी समय का, कि प्रस्तावना कोई करता है उसको क्रियान्वित कोई करता है। और अगर आप लोग कराची रेजोल्यूशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 90% जो हमारा संविधान है वो कराची रेजोल्यूशन से निकल कर आता है। अब इनके बीच के रिश्ते क्या थे थोड़ा बहुत मैं वो पृष्ठभूमि दूंगा। ये दोनों जब कांग्रेस ज्वाइन करते हैं अमूमन एक समय पर करते हैं, दोनों विदेश के पढ़े हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक समृद्ध परिवार से आते हैं, मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े लॉयर थे इलाहाबाद में, बड़े प्रतिष्ठित लॉयर थे, तो वो उस परंपरा से आते हैं और विदेश जाते हैं अपनी लॉ की डिग्री करने। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उन्हीं दिनों में, बल्कि जिन वर्षों में नेहरू जी इंग्लैंड में कानून पढ़ते थे उन्हीं समय में सरदार पटेल भी कानून पढ़ते हैं, लेकिन कोई ऐसा संदर्भ नहीं मिलता है ना इनकी जीवनियों से कभी पता चलता है कि शायद वहां एक दूसरे से ये लोग मिल पाए। उसके बाद दोनों लौट कर आते हैं, पंडित नेहरू इलाहाबाद में थोड़ी बहुत लॉ का काम करते हैं और सरदार पटेल गुजरात में एक बड़े अच्छे और बड़े प्रतिष्ठित क्रिमिनल लॉयर के रूप में उनकी रेपुटेशन बनती चली जाती है। उसी समय है सन 1500-1600 में जब गांधी जी वापस साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान आते हैं और धीरे धीरे जमीनी कार्य करने लगते हैं, वो कहीं किसानों से मिलते हैं कहीं और लोगों से मिलते हैं और सत्याग्रह की और अहिंसा की बात करते हैं। दोनों ये जो हमारे नेता हैं दोनों अपनी अपनी बातों में अपनी अपनी बातों में एक चीज बताते हैं कि दोनों को जब पहले गांधी जी के बारे में पता चला तो दोनों ने गांधी जी को बहुत दूर से और बहुत गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि सरदार पटेल का एक छोटी सी कथा है जो उनके मित्र जो उनके साथ बैठे थे वो बताते हैं, सरदार साहब खुद बताते हैं। सरदार साहब को ब्रिज खेलने का बहुत शौक था और सूट बूट पहनते थे उस समय, जो लोग इसमें मेरे ख्याल से लॉ में अच्छे होंगे वो थोड़ा सा उस तरह रहते थे, तो अहमदाबाद के गुजरात क्लब में वो ब्रिज खेल रहे थे और ब्रिज खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ उनके मित्र लोग ब्रिज के कमरे से उठकर बाहर जाने लगे, तो उन्होंने पूछा क्या है, कहने लगा गांधी जी आए हैं, गांधी जी को हम लोग सुनने जा रहे हैं। तो सरदार साहब अपने मित्र से हंसते हुए कहते हैं कि यार बैठो यार ब्रिज खेलो, इस ब्रिज में तुम ज्यादा सीखोगे उस बुढ़े से क्या सीखो। तो दोनों का एक तरीके से जब शुरू का परिचय होता है गांधी जी से वो ऐसा ही होता है, लेकिन उसके बाद आता है खेड़ा का सत्याग्रह जहां किसानों के साथ मिलकर अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए सत्याग्रह करके टैक्स ना देने की अपील से पूरे के पूरे खेड़ा सत्याग्रह में निहत्थे लाचार
गरीब किसानों की जीत जब गांधी जी दिखाते हैं तो सरदार साहब का बिल्कुल मन पलटता है और उसमें वो खेड़ा सत्याग्रह में जाके गांधी जी से मिलते हैं, गांधी जी के साथ काम करते हैं और उसके बाद हमेशा के लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़े सबसे गहरे अगर कोई गांधीवादी इस देश में रहे हैं वो सरदार पटेल रहे हैं और वो शुरुआत खेड़ा सत्याग्रह से होती है। उसके बाद बारदोलाई का सत्याग्रह होता है, बोरसात का सत्याग्रह होता है जहां हमेशा वो गांधी जी के साथ रहते हैं। बल्कि गांधी जी ने एक वाक्य कहा था 1919 में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, राजा जी को जो राजगोपालाचारी जी एक तरीके से गांधी जी के दाहिने हाथ माने जाते थे, वो कहते हैं कि मेरी एक बहुत बड़ी एक खोज हुई है, मैंने सरदार को ढूंढा है और आज से संगठन में सरदार ही मेरा दाहिना हाथ होगा। 1919 में जब चंपारण जाते हैं गांधी जी तो चंपारण के अनुभव से उनसे नेहरू जी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और उसके बाद से ये दोनों एक तरीके से साथ आ जाते हैं। फिर 1919 का 20 का दशक चलता है, ये लोग कभी साथ आते हैं कभी अलग रहते हैं, लेकिन ज्यादातर गांधी नेहरू सरदार पटेल का काम गुजरात में वहां के आंदोलन को आयोजित करने में लगा रहा और वो कांग्रेस के संगठन में अपने पैर आगे बढ़ाते हैं और संगठनात्मक काम वो ज्यादा करते हैं। इसलिए जब कहा जाता है कि कांग्रेस के संगठन को और आजादी के आंदोलन में जितने भी आंदोलन हुए उसको संगठित करने में अगर किसी व्यक्ति की ऊर्जा पीछे से लगी थी तो सरदार पटेल के लिए। नेहरू जी उस समय पूरा 20 का दशक और 30 के दशक में ज्यादातर काम किसानों के बीच में करते हैं और उत्तर प्रदेश में किसान संघों को किसान समितियों को आयोजित करते हैं। बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे लेकिन नेहरू जी का जो पूरा व्यक्तित्व निकल कर आता है और नेतृत्व निकल कर आता है वो किसान संगठनों को आयोजित करने में और किसान संगठनों के बीच से निकल कर आता है। दूसरा एक इनमें अंतर था कि सरदार पटेल जहां तक अहिंसा सत्याग्रह और देश की एक जो इमेज उनके मन में थी वो तो वही थी जो कांग्रेस की थी, लेकिन सरदार पटेल वर्गीय जो जिसको वर्गीय बात कहते हैं, क्लास एनालिसिस कहते हैं कि गरीब और अमीर के बीच में खाई की बात करते हैं, उनके बीच में आर्थिक द्वंद की बात करते हैं, उस तरह की बातों के विश्लेषण में ज्यादा नहीं जाते थे। वो अपने आप को ज्यादातर जिसको आजकल दक्षिणपंथी कहा जाता है या आप सब लोग उसको मिडिल ऑफ सेंटर इकोनॉमिक्स कह सकते हैं उसके ज्यादा प्रभाव में रहते थे। नेहरू जी समाजवादी नीतियों के प्रभाव में ज्यादा रहते थे क्योंकि नेहरू जी का एक तरीके से अनुभव उत्तर प्रदेश और वहां जमींदारी से जूझते हुए गरीब किसानों के बीच में ज्यादा समय बीता, इसलिए जमींदारी से किया हुआ जो शोषण था उससे उनकी एक लगाव ज्यादा होती थी और इसलिए वो उस तरीके की बातों को ज्यादा कहा करते थे। ये इन दोनों में आपस में सन 28-29-30 में धीरे धीरे संबंध बनते हैं। 1929 में जब पहली बार नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं तब ये दोनों जने ज्यादा आपस में एक दूसरे से मिलकर बात करते हैं, लेकिन वहां से दो या तीन चीजों पे इनमें दूरियां बनती हैं और ये दुनिया वैचारिक है और ये दुनिया हमें अपने मन में हमेशा रखनी चाहिए। इसमें कभी द्वंद नहीं हुआ। एक तो इस बात को हमें हमेशा मान लेना चाहिए कि नेहरू जी और पटेल कोई दुश्मन नहीं थे, अलग अलग विचारों को रखते हुए एक ही संगठन को आगे ले जाते हुए आजादी के आंदोलन में साथ काम करने वाले दो योद्धा थे और कई बार कहा जाता है कि एक तरीके से ये दो वो पहिए थे उस रथ के जिस रथ ने हमें आजादी दिलवाई उसके बाद आजाद हिंदुस्तान की नींव रखी। 1924-25 में जब कांग्रेस का काम चल रहा था तो गांधी जी का आपको देखा होगा कि हिंदुस्तान में दो बड़े हिस्से थे, एक वो हिंदुस्तान जो सीधे सीधे बरतानिया सरकार की हुकूमत में था जिसको हम लोग ब्रिटिश इंडिया कहते थे और दूसरे राजे महाराजाओं के अधीन जो हिंदुस्तान था जिसको हम लोग प्रिंसेस का हिंदुस्तान कहा करते थे, जो सबके साथ बरतानिया की महारानी को अपनी महारानी मानते थे। उसके बारे में कांग्रेस ने जब धीरे धीरे अपने पांव फैलाए इस पूरे देश में आजादी के आंदोलन में तो ये बरतानिया सरकार या ब्रिटिश इंडिया में फैलाए थे, इनका असर जहां तक राजे महाराजे थे वहां नहीं था। गांधी जी का ये कहना था जिसमें सरदार पटेल उनकी अनुयायी थे और गांधी जी एक सिस्टम की बात करते थे ट्रस्टीशिप की, कि जब आजाद हिंदुस्तान बनेगा तो जो जितने राजे महाराजे हैं उनसे हम कहेंगे कि अपने आप स्वतः आप अपनी हुकूमत तो रखें लेकिन अपने हुक्काम अपनी सत्ता को छोड़कर आप लोगों के ट्रस्टी बनकर एक तरीके से धीरे धीरे सत्ता से हटकर सेवा में आप अपने आप को बदलते चले जाएं। नेहरू जी का बिल्कुल विपरीत पक्ष था। नेहरू जी का पक्ष था 1924-25 से कि राजे महाराजे अलग हिंदुस्तान नहीं बन सकता है, इसको हिंदुस्तान की हुकूमत के अंदर आना पड़ेगा। उनका ये कहना था कि हमारे राजे महाराजे भी शोषण में
और सामंतवाद में उतने ही सामंती और उतने ही शोषण करने वाले हैं जितने अंग्रेज हैं। इसलिए 1927 में उन्होंने ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कांग्रेस या अखिल भारतीय प्रजा परिषद बने, और उससे जितने राजे रजवाड़े थे उसके अंदर में, क्योंकि कांग्रेस की यह नीति थी कि कांग्रेस का संगठन राजे रजवाड़ों में नहीं जाएगा, प्रजा परिषद के अलग अलग जगहों पर धीरे 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 यूनिट बनते चले गए, और बहुत से कांग्रेस के नेता आजाद हिंदुस्तान में वहां से निकल कर आए। आपने महाराष्ट्र के यूएन देवर का नाम सुना होगा, बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। आपने प्रताप सिंह गहलोत का नाम सुना होगा जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, वो भी ऑल इंडिया ये स्टेट्स कांग्रेस से निकल कर आए। महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय ज्ञानी रेल सिंह जी भी इसी प्रथा से निकल कर आए, तो कांग्रेस का भी बहुत बड़ा नेतृत्व यहां से निकल कर आया था। लेकिन 1927-28-29 में भी सरदार पटेल और नेहरू जी के बीच में इस बात पर हमेशा द्वंद रहता था। पटेल और गांधी जी और राजा जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो चार पांच बड़ी विभूतियां थी, ये बार बार कहते थे कि जो स्टेट्स के इलाके हैं उसमें आप ज्यादा मत हस्तक्षेप करिए, हमें बर्तानिया से आजादी लेनी है, उसके बाद देश को हम कैसे संभालेंगे बाद में निपटेंगे। लेकिन नेहरू जी का फोकस बहुत हद तक स्टेट्स की राजनीति में रहता था। फिर भी 1929 में नेहरू जी बने कांग्रेस के अध्यक्ष, उसके बाद 31-32 में और लोग बने, आंदोलन हुआ बहुत बड़ा। उसके बाद सन 33-34 के बाद कुछ समय तक ये लोग चार साल जेल रहे। कमला नेहरू की मृत्यु के बाद बाहर भी उनको जाना पड़ा, और 30 के दशक में ये लोग काम आपस में करते थे लेकिन बहुत ज़्यादा इनका आपस में संबंध नहीं बना था। फिर एक बहुत रुचिपूर्ण एक किस्सा आता है इन दोनों के राजनीतिक जीवन में, और इस राजनीतिक जीवन में सुभाष चंद्र बोस की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत लोग जब आपको सरदार पटेल और नेहरू जी के बीच के रिश्तों की बात बताते हैं तो उसमें कभी सुभाष बाबू की बात नहीं बताएंगे। नेताजी, जिसको हम सब लोग अपने रूप में, मेरे ख्याल से बहुत ही कम हिंदुस्तानी होंगे जो नेताजी को भी एक अपना हीरो नहीं मानते और आज़ादी के आंदोलन की बहुत बड़ी हस्ती नहीं मानते। सुभाष बाबू और नेताजी सुभाष बाबू और पंडित नेहरू बिल्कुल एक जैसे मिथिला के लोग थे, एक ही विचारधारा को समझते थे, और बार बार सुभाष बाबू उनको अपना नेता कहा करते थे और अपना बड़ा भाई कहा करते थे नेहरू जी को। ये वो भी एक अलग कहानी है जो आप लोग कई बार सुनते होंगे कि नेहरू जी ने पता नहीं मरवा दिया सुभाष बाबू को, या उनको गुमनाम कर दिया, या उनको रशिया में कैद कर दिया। आपने 50 किस्से उसके सुने होंगे, और नेहरू जी पर और सुभाष बाबू पे अगर मैं रिश्तों में बात करूंगा तो घंटा डेढ़ घंटा उसमें अलग निकल जाएगा, उस तरफ मैं जाता भी नहीं हूँ। सुभाष बाबू का नेहरू जी के साथ बहुत अच्छा संबंध था। 1936 में ये बात निकल कर आई, 1935-36 में ये बात निकल कर आई कि नेहरू जी को दोबारा से कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया, और उसके बाद नेहरू जी दोबारा से कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। कांग्रेस में एक प्रथा थी कि कभी भी अध्यक्ष रिपीट नहीं होता, एक एक साल के लिए अध्यक्ष बनते थे और कभी अध्यक्ष रिपीट नहीं होता, कोई विशेष ही कोई इमरजेंसी का समय हो जाए तो उसको छोड़ के रिपीट नहीं होता था। और याद रखिएगा, कांग्रेस का अध्यक्ष कांग्रेस के अधिवेशन में चुना जाता था, EICC के अधिवेशन में चुना जाता था। आप लोगों ने वो रुचिपूर्ण किस्सा सुना होगा त्रिपुरी कांग्रेस में, जब सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के कैंडिडेट को वोटों से हराया था, याद होगा आप लोगों ने सब सुना होगा कि सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट हो गए थे और गांधी जी जिसे चाहते थे वो नहीं हुए थे, वो EICC में वोटिंग हुई थी। EICC के लोग, जिन लोगों को कांग्रेस का संविधान नहीं पता होगा उनको मैं बताता हूँ कि कांग्रेस का एक सिस्टम है कि जब उसमें कार्यकर्ता बनते हैं, कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों को चुनते हैं, प्रदेश कांग्रेस के कमेटियों के साथ साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों को चुना जाता है, और वो मिलकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ये कांग्रेस की एक प्रक्रिया हमेशा रही है और वही उसकी प्रथा आज भी है। 1936 में जब नेहरू जी बनते हैं, उस समय सरदार पटेल बनना चाहते थे लेकिन गांधी जी ने कहा आप बन चुके हो, हमको नए लोगों को भी एक मौका देने की बात है। उस एक साल में नेहरू जी ने बहुत हद तक समाजवादी नीतियों को कांग्रेस में लाने की कोशिश की, जिस कारण से उनके और जो गांधी जी का दल था जिसमें नेहरू जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और राजा जी थे, इनके बीच में थोड़ी बहुत खलकी आने लगी। कुछ मेरे पास पत्र है, मैं यहाँ अभी नहीं दिखाऊंगा आपको, बाद में आप चाहेंगे तो दिखाऊंगा। क्या होता है कि जब नेहरू जी का पीरियड खत्म हो जाता है और दोबारा चुनाव की बात आती है, उस समय एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई थी। भारत सरकार, बर्तानिया की सरकार, एक 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर
तमाम जो हमारे प्रदेश थे उनमें चुनाव हुए, और ये था कि आम भारत की जनता को, लोगों को कुछ न कुछ भागीदारी सत्ता में दी जाएगी। तो कांग्रेस के बीच में भी एक द्वंद्व चल रहा था कि क्या हम लोग इन चुनाव में भाग लें कि ना लें, क्योंकि इसका बैकग्राउंड था कि सन 29 में जब नेहरू जी अध्यक्ष बने थे तो वो पूर्ण स्वराज का जो एक आपने देखा होगा 30 में पूर्ण स्वराज का हम लोगों ने एक नारा दिया था कांग्रेस ने, उसकी बात वो करने लगे थे। उसके पहले क्या हुआ था, सन 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक संविधान समिति बनी थी। वो संविधान समिति ने डोमिनियन स्टेटस की बात की, बल्कि सबसे मजे की बात यह कि सन 29 में अध्यक्ष होते हुए अपने ही पिता की रिपोर्ट को और अपने ही पिता को पंडित नेहरू ने बहुत बुरी तरीके से अपने भाषण में लताड़ा था और कहा था कि ये जो नेहरू रिपोर्ट है सन 1928 की, इसको मैं सिरे से खारिज करता हूं, ये बहुत पुरानी सोच की है, हमें पूरी तरीके से स्वतंत्रता की तरफ देखना चाहिए। वही बैकग्राउंड आता है 1936 में, और नेहरू जी का ये कहना था कि ये जो चुनाव आ रहे हैं 1935-36 के, जो बरतानिया सरकार कह रही है, इसमें हम लोगों को भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसमें भाग लेते हैं तो ये जो टूटी फूटी सरकार में भागीदारी बरतानिया हमको दे रहा है, एक तरीके से उसमें हम उनके भागीदार बन जाते हैं। एक ये बीच में द्वंद्व चल रहा था। तब अगला चुनाव आता है और नेहरू जी कहते हैं कि मैं दोबारा अध्यक्ष बनना चाहता हूं। इस पर इसके पहले एक और वाक्या हुआ था जो आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, जब नेहरू जी ने ऐसी कुछ चीजें की थी तो वहां वर्धा में कांग्रेस की कांग्रेस आपके बगल में वर्धा है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में 10 सदस्यों में से 6 या 7 सदस्य जिनमें सरदार पटेल भी थे, उस कमेटी से नेहरू की नीतियों के खिलाफ इस्तीफा देते हैं। वो इस्तीफा इसलिए देते हैं, वो कहते हैं कि नेहरू जो है कांग्रेस को समाजवादी विचारधारा की तरफ ले जा रहा है, जो कांग्रेस की सोच नहीं है, ये हिंसा की बात करते हैं, ये लड़ाई की बात करते हैं, ये चुनाव में नहीं भागीदारी नहीं करने की बात करते हैं, ये जहां जहां राजे महाराजाओं की सरकारें हैं वहां कांग्रेस का विस्तार करने की बात करते हैं, कांग्रेस की नीतियां अलग हैं और हम ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नहीं कर सकते जो उन नीतियों को ही हमेशा लेकर चलेगा। उसमें फिर गांधी जी मध्यस्थता करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, दोबारा जब नेहरू जी चुने जाते हैं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेटर है जो सरदार पटेल लिखते हैं गांधी जी को, और वो लिखते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैंने नेहरू में बहुत बदलाव देखा है, अब नेहरू एक बहुत बढ़िया और बड़े मैच्योर नेतृत्व के रूप में निकल कर आई है, और जिस तरीके से कांग्रेस पहले चला करती थी एक परिवार के रूप में, उसने उस तरीके से इस आदमी ने अपने आप को ढाला है, और आज मैं समझा हूं कि आपने नेहरू में जिस तरीके का नेतृत्व देखा था, अपने आप को बदलने की क्षमता देखी थी, अपने जिद के बावजूद अपने आप को नई परिस्थितियों में ढालने की जो आपने क्षमता देखी थी वो आज मैंने नेहरू में देखी। ये मैं इसलिए आपको एक संदर्भ बताना चाहता हूं क्योंकि इसके बाद एक आत्मीयता सरदार पटेल में और नेहरू जी में बनती है। पहले तो दोनों अलग अलग इलाकों में काम किया करते थे, दूर थे, इतना ज्यादा मिलते भी नहीं थे। इसी तरीके से फिर हम आते हैं सन 40-41 में। सन 40-41 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ये दोनों जने एक साथ जो है अहमदनगर जेल में डाल दिए जाते हैं, और सन 42-45 तक सरदार पटेल और नेहरू जी एक ही जेल में रहते हैं, और ये कहा जाता है कि उस समय इन दोनों के बीच में जिस तरीके का बंधुत्व बना, जिस तरीके का भाईचारा बना, वो शायद ही किसी और दो नेताओं के बीच में बना था। ये पहली बार है जब इतने लंबे समय तक ये दोनों नेता एक दूसरे के साथ रहते हैं, बल्कि उनके जेल के कई संदर्भ बताए जाते हैं कि जेल में भी सरदार पटेल को ब्रिज खेलने का बहुत शौक था और वो अक्सर नेहरू जी को अपना पार्टनर बनाया करते थे, और नेहरू जी को बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था, और वो अक्सर जो है इनको वो कहते हैं कि सरदार साहब को वो अपना पार्टनर नहीं बनाते थे क्योंकि सरदार साहब नेहरू जी से 14 साल बड़े थे, वो उसको रेफरी बनाया करते थे, क्योंकि हमेशा लोगों के बीच में ये था कि सरदार साहब नेहरू जी के लिए चीटिंग करते हैं। ये एक कहानी है ये बताने के लिए कि कितना लोग उन दोनों को आपस में पाया करते थे, और उसमें कुछ संदर्भ है नेहरू जी के और सरदार पटेल के बीच में कि जब सरदार साहब ब्रिज में हारा करते थे तो वो बहुत बुरा मानते थे, और सरदार साहब कहते हैं कि नेहरू जी जब बैडमिंटन में हारते थे तो पूरी शाम उनका मूड जो है बहुत खराब रहा करता था। ये कहानियां बताती हैं कि किस तरीके से दो भाइयों की तरह इन दोनों के बीच में आपस में संबंध बनते हैं। सर 42-45 तक का जो समय था उसमें कांग्रेस की सोच आने वाली आजादी के लिए किस तरीके से हम आगे बढ़े,
किन रणनीतियों के साथ हम आगे बढ़े, आर्थिक मुद्दों पे जो आपस में इनका मनमुटाव था उसमें आपस में किस तरीके से एका करना, इसका एक अद्भुत समय निकलता है। इस समय के बारे में बहुत कम लोग आप लोगों में बात करते हैं, लेकिन गांधी जी की, आपने गांधी जी का एक सुना होगा कि हरिजन करके गांधी जी की एक मैगजीन निकलती थी, उसको मैं नाम ठीक से भूल रहा हूँ, मशुकले करके एक बहुत फेमस एडिटर है जो उनकी मैगजीन एडिट किया करते थे, उन्होंने बताया था कि गांधी जी और पटेल के बीच में एक तरीके से बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता था, गांधी जी और नेहरू के बीच में एक तरीके से पिता और बेटे का रिश्ता था, लेकिन पटेल और नेहरू जी के बीच में इस 3 साल के कारावास के बाद जो रिश्ता बना वो भी एक बड़े भाई और एक छोटे भाई का बना। और उसके बाद कई बार गांधी जी और लोग अपने अंदर में जब मीटिंगों में बात किया करते थे तो इस बात की अक्सर जिक्र किया करते थे कि इन दोनों के बीच में जो एका है वो एका बड़ी मुश्किल से टूटेगी। फिर हम आते हैं सन 45-46 में, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, बर्तानिया की सरकार इस बात का ऐलान करती है कि साले दो साले तीन साल के अंदर वो भारत को आज़ादी देगी। वहाँ चर्चिल जो प्रधानमंत्री थे वो चुनाव हारते हैं, बर्तानिया में एटली करके प्रधानमंत्री नया आता है। सन 46 में परिस्थितियाँ बहुत बदलने लगी थी, सन 42 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट या भाड़ों छोड़ों का आंदोलन था वो उसने एक तरीके से डरा दिया था बर्तानिया हुकूमत को, क्योंकि उनको लग रहा था कि आगे चल के इतने व्यापक रूप में हम लोग इसी बड़े आंदोलन को झेल नहीं पाएंगे। हुआ क्या था कि जब 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया गया तो 8 और 9 अगस्त की रात को अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान में करीबन 5-6 हज़ार कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे सबको जेल में डाल दिया 2 या 3-4 दिन के अंदर, और बल्कि अगले 3-4 साल तक ये सब लोग जेल में रहे। लेकिन जेल में होने के बावजूद भी हिंदुस्तान के अलग अलग दीगर इलाकों में तरह तरह के आंदोलन चलते रहे, और ये आंदोलन 42, 43, 44, 45 तक चलते रहे। तो उसमें अंग्रेजों को ये लगा था कि लड़ाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद अगर इस तरीके का कोई और बड़ा आंदोलन होता तो हम इस बात को झेल नहीं पाएंगे। 46 में ये माहौल बनता है भारत को आज़ादी दिलाने का, लेकिन देखा होगा उस समय एक दूसरी बहुत बड़ी दिक्कत हमारे सामने आ जाती है, जो मुस्लिम लीग और जिन्ना का जब चरित्र सामने निकल कर आता है और वो देश के बंटवारे की बात करने लगते हैं। देश के बंटवारे के सवाल पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक पॉइंट मैं आपको केवल बता देता हूँ किस कारण से मुस्लिम लीग अचानक से बहुत ताकतवर होकर निकला। 1911 में अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिमों को बांटने के लिए एक बहुत बढ़िया तरकीब इस देश में लाए थे जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं। हुआ क्या था कि जब 1905 में मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर हिंदुस्तान में चुनाव पहली बार आए थे तो भारत के बहुत ही सीमित लोगों को, करीबन 1-1.5% आबादी को वोट का अधिकार दिया गया था, और वोट का अधिकार या तो उन लोगों के पास जिनके पास एक हद से ज़्यादा ज़मीन थी या जो पढ़े लिखे थे, केवल उन्हीं लोगों को इस तरीके का दिया गया था। हिंदुस्तान में उस समय करीबन 24% के करीब मुसलमान होते थे, और जब वोटर लिस्टें निकल कर आई तो उसमें देखा गया कि केवल 10 या 11% मुस्लिम है, क्योंकि हिंदुओं के बनस्पत, सिखों के बनस्पत मुसलमान कम पढ़े लिखे थे, और कुछ जगहों पे छोड़ के उनके पास ज़मीनें या जागीरदारियाँ या जमींदारियाँ ये कम थी। तो मुस्लिम्स का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन 1909 में ये अंग्रेजों को मिलने गया, और उन्होंने कहा कि साहब अगर आप चुनाव कराएंगे तो मुस्लिम्स कहीं से भी इलेक्ट होकर नहीं आए। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें कुछ सीटें मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर देते हैं, जैसे SC ST रिजर्वेशन होता है वैसे माइनॉरिटी रिजर्वेशन कर देते हैं। लेकिन वो इसके एक कदम आगे गए, जो बार बार आपसे कहा जाता है ना कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी और एक तरीके से अगर माने तो पाकिस्तान की शुरुआत अगर कहीं होती है तो इस कानून से होती है। वो क्या करते हैं, माइनॉरिटी सीट्स पे केवल माइनॉरिटी ही वोट कर सकता है ये प्रावधान लेकर आते हैं। और जो बहुत हमको विशेषज्ञ बताते हैं वो ये बताते हैं कि जैसे ही आपने कहा कि मुसलमान केवल मुस्लिम कैंडिडेट के लिए वोट देगा और बाकी लोग केवल गैर मुस्लिम कैंडिडेटों के लिए वोट देंगे, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में अगर एक तरीके के राजनीतिक मुद्दे आ सकते थे जो धर्म से ऊपर उठ के आए उसको वहीं आपने समाप्त कर दिया। भाई अगर आप केवल रिलीजन के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो आपके वोट में और आपकी राजनीति में धर्म प्रधान हो जाता है, और अगर आप सामान्य जनता से मांगते हैं तो धर्म के अलावा विकास के मुद्दे, शिक्षा के मुद्दे, आर्थिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, आज़ादी के मुद्दे, अंग्रेजों को हटाया नहीं, ये मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
तो उससे मैं आता हूं 1935 के बाद 36 में जब चुनाव हुआ था तो मुस्लिम सीट्स भी जो हैं उसमें हिंदुस्तान में शायद 100 सारे राज्यों में जो चुनाव हुआ था मेरे ख्याल से 300 या 400 मुस्लिम रिजर्व सीटें थी 1500 में से, उसमें मुस्लिम लीग मुश्किल से 10 या 11 सीटें हिंदुस्तान में जीत के आई थी। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो ऑलमोस्ट 100% मुस्लिम था वहां एक भी नहीं जीती। पंजाब जो करीबन 70% मुस्लिम था वहां शायद मुश्किल से एक या दो जीत कर आई, दो या तीन सीटें कुछ उसने यूपी में जीती इधर उधर जीती, बहुत मुश्किल से था, कुछ सीटें ही नहीं उसको मिली थी। और ज्यादातर जो मुस्लिम सीट थी वो कांग्रेस जैसे उसने और जगहों पे स्वीप किया, यहां भी स्वीप किया। 1940 में जब दूसरा विश्व युद्ध होता है तो बरतानिया की सरकार अपने आप अनाउंस करती है कि हम दूसरा विश्व युद्ध जो है ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस उसका विरोध करती है, कांग्रेस कहती है हम लोगों से बिना पूछे, हम भी तो चुनी हुई सरकार है, हम लोगों से बिना पूछे आप दूसरा विश्व युद्ध कैसे ज्वाइन करते हैं। उसके बाद कांग्रेस की सरकारें पूरे हिंदुस्तान में इस बात से इस्तीफा दे देती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें दो ही दल थे, दो ही पार्टियां थी जिन्होंने इस बात पर सरकारों से इस्तीफा नहीं दिया था। कोई बता सकता है कौन सी दो पार्टियां थी जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया? हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री रहे बंगाल में, वहां मुस्लिम लीग की सरकार थी और हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनके वंशज के सामने अगर मुस्लिम लीग का नाम ले लो तो हो सकता है उनको मिर्गी के दौरे चढ़ जाएं, उनके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री हुआ करते थे बंगाल में। तो क्या होता है कि 1940 में जब कांग्रेस इसको अपोज करती है और उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा कि 8 अगस्त 1942 को ये क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया जाता है, पूरी कांग्रेस की लीडरशिप अरेस्ट कर ली जाती है, जेलों में बंद हो जाती है। इस समय 1940 से शुरू कर सबसे पहले हमारे उस समय लिलित गो शायद गवर्नर जनरल थे, लिलित गो के पास सबसे पहले जिन्ना जाते हैं। ये बात है 1939 की, वायलेंस की मैं बात करूँ 1939 की। वो जाकर कहते हैं कि मुस्लिम लीग सरकार का समर्थन करेगी। तो लॉर्ड लिल्ली तो वो कहते हैं कि इस समय हमारी सबसे बड़ी डिमांड है कि हमें फौज अपनी बढ़ानी है। उस समय भारत की फौज करीबन 6 या 7 लाख थी और जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो भारत की फौज करीबन 25 लाख थी, तो करीबन उनको 16 या 17 लाख और लोगों को फौज में जोड़ना। तो एक तो मुस्लिम लीग कहती है कि इस पूरे फौज को बढ़ाने के कार्यक्रम में हम आपकी मदद करेंगे। और पता नहीं आप लोगों को मालूम होगा कि नहीं, एक और बहुत बड़े आज नेता हैं जिनकी नाम बड़ी प्रसिद्धि से लिया जाता है, वो दूसरे व्यक्ति थे जिसने हिंदुस्तान के युवाओं को आह्वान दिया था कि अंग्रेजी सरकार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। उनका नाम बता सकते हैं आप? वीडी सावरकर। ये दो वो बड़े लोग थे जिन्होंने जाकर अंग्रेजों से कहा कि नहीं, हम सेना में लोगों को भर्ती करने के लिए आपकी मदद करेंगे। तो 42 में बता रहा हूं, जब पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार जेलों में चली गई, जिन्ना के लिए पूरा उत्तर भारत का इलाका साफ हो गया। और जिन्ना ने उन 2 या 3 सालों में बहुत ही गहरी घटिया और बहुत ही बुरी तरीके से सांप्रदायिक राजनीति की। मेरे पास कुछ पोस्टर के फोटो हैं, वो दुर्भाग्य से मैं नहीं ला पाया। उसमें ये चीजें तक कही जिन्ना ने कि अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो आप मोहम्मद साहब के खिलाफ वोट दे रहे हैं, अगर आजादी में कांग्रेस की सेकुलर सरकार बन गई तो आपके कब्रिस्तान खत्म कर दिए जाएंगे, अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो निकाह जो है कैंसिल हो जाएगा। आपने सुना होगा आजकल भी कुछ पार्टियां हिंदुओं के बारे में ये कहती हैं कि अगर कांग्रेस आ जाएगी तो हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा, आपके शमशान खत्म हो जाएंगे, आपके तौर तरीके खत्म हो जाएंगे। एक तरीके से ये वही भाषा इस्तेमाल करते हैं हिंदुओं के लिए जो जिन्ना इस्तेमाल किया करते थे मुसलमानों के लिए। इस कारण से 1946 में जब चुनाव होता है तो उत्तर भारत की कम से कम 80% मुस्लिम सीटें मुस्लिम लीग जीत कर आती है और इस कारण से उनको जगह मिल जाती है पूरी की पूरी डिबेट में और पार्टीशन का काम चालू होता है। जब पार्टीशन का काम चालू होता है तो उस समय हिंदुस्तान में एक इंटरिम सरकार बनाई जाती है क्योंकि हम लोग पार्टीशन की तरफ जा रहे थे। इंटरिम सरकार में नेहरू जी बनाए जाते हैं, उसके एक तरीके से वाइस चेयरमैन का शब्द था। उसमें 5 या 6 सदस्य कांग्रेस के होते हैं और 5 या 6 सदस्य उसमें मुस्लिम लीग के होते हैं। और आपने देखा होगा, याद होगा आपको शायद, कि पार्टीशन की डिमांड के लिए जिन्ना ने
कलकत्ता में 1946 में एक डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। वो डायरेक्ट एक्शन डे पार्टीशन के लिए था, लेकिन उसके बाद पूरे बंगाल में बहुत बहुत बुरी तरीके की हिंसा होती है। एक दिन में करीबन 4 या 5 हजार हिंदू मारे जाते हैं, अगले दिन हिंदुओं का रिटेलिएशन होता है और 5 से 6 हजार मुस्लिम मारे जाते हैं। वो आग फिर बिहार में जाके खड़कती है, वहाँ माना जाता है कि दंगों में करीबन 7 से 8 हजार, कोई कहते हैं 15 हजार, कोई कहते हैं 20 हजार। इस समय कोई इतने रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है कि हम जाने, पर बिहार में भी बहुत बुरी तरीके से हिंसा फैलती है। उसके 2 या 3 महीने बाद बंबई में भी वो लोग कोशिश करते हैं, पंजाब में भी वो लोग कोशिश करते हैं। तो ये जब बात चल रही थी, सबसे पहले ये बात बीपी मनन, देखिए मैं पता नहीं आप लोग बीपी मनन को जानते होंगे कि नहीं, कौन है। हुआ क्या था कि जब नई सरकार बनी थी तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन के बहुत चहेते सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था बीपी मनन। बीपी मनन इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे, बीपी मनन रिटायर करने वाले थे लेकिन बड़े काबिल अधिकारी थे। तो जब होम मिनिस्टर बनाए जाते हैं, उस समय मिनिस्टर स्टेट्स का नहीं था जो बाद में सरदार पटेल को जगह मिली, जब वो होम मिनिस्टर बनाए जाते हैं तो माउंटबेटन रेकमेंड करते हैं कि आप बीपी मनन को दोबारा से अपना सेक्रेटरी बना लीजिए, कि आपकी बहुत मदद करेंगे। और आज भी पार्टीशन के बारे में जो सबसे आधिकारिक किताबें अगर किसी ने लिखी है तो बीपी मनन ने लिखी है। तो बीपी मनन उनके सेक्रेटरी बन जाते हैं। तो जब ये तमाम बातें चल रही थी और अंग्रेजों ने एक बात कहनी शुरू कर दी थी कि अगर हम बंटवारा नहीं करेंगे तो हम आजादी इतनी आसानी से नहीं देंगे, कांग्रेस उस समय इस बात पे बिल्कुल सिरे से खिलाफ थी। बीपी मनन अपनी किताब में लिखते हैं कि दिसंबर और जनवरी, दिसंबर 1945 और जनवरी दिसंबर 1946 और जनवरी 1947 के बीच में उन्होंने कई बार सरदार पटेल से बातचीत की और धीरे धीरे सरदार पटेल का मन बदला। और वो पहले कांग्रेस के बड़े नेता थे जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अब हमको पार्टीशन जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये बात उसके बाद सरदार पटेल खुद कहते हैं। सरदार पटेल ने जब इस बात को स्वीकार किया, सरदार पटेल के 2 या 3 मुख्य इसमें आर्ग्यूमेंट थे जो बाद में वो पब्लिक में भी कहते हैं। कुछ स्पीचेस भी हैं मेरे पास, ऑडियो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं, जिसमें वो बताते हैं कि क्यों मैंने पार्टीशन का समर्थन किया था। उन्होंने ये कहा कि एक तो आज स्थिति ऐसी आ गई है कि अगर हम, हमारे पास बहुत समय लगेगा वापस से कुछ इलाकों में सेक्युलरिज्म को दोबारा से इस्टेब्लिश करने का, और अगर हम आज़ादी नहीं देते हैं तो हमारे पास गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे, और हम उतना सक्षम और ताकतवर देश नहीं है कि हम गृह युद्ध जैसी स्थिति को अगले 8 या 10 साल कर सकें। उन्होंने इसका एक उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि पिछले 4 या 5 महीने से मैं संयुक्त सरकार का मंत्री हूँ, लियाकत अली जो मुस्लिम लीग के हैं वो देश के वित्त मंत्री हैं, लेकिन लियाकत अली वित्त मंत्री की तरह नहीं एक्ट कर रहे हैं, एक कम्युनल मुसलमान की तरह एक्ट कर रहे हैं। कांग्रेस मंत्रियों का बजट नहीं पास होने देते हैं, हम जो भी नीतियां लाते हैं उसको सिरे से खारिज कर देते हैं। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, चाहे पुलिस में हो चाहे आईएएस इंडियन सिविल सर्विस में हो, ये ज्यादातर लोग मेंटालिटी से पाकिस्तान को मानने लगे हैं, और इन अधिकारियों के साथ आगे चलकर हम नया हिंदुस्तान नहीं चला पाएंगे। और इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैंने मन बनाया कि मैं पार्टीशन जो है इसको स्वीकार करता हूं, और उन्होंने बीपी मनन को कहा कि इससे सबसे पहले मुझे पंडित को समझाना पड़ेगा, पंडित मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी तरीके से माना जाता है कि करीबन मार्च अप्रैल मई के महीने में इनकी एक चर्चा होती है, जो चर्चा इसके बारे में लिखा है पंडित नेहरू ने, कि जब सरदार साहब उनके पास आते हैं और कहते हैं कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है पार्टीशन का, तो नेहरू जी कहते हैं कि हम तो मान लेंगे, गांधी जी को कौन मनवाएगा। तो सरदार साहब कहते हैं कि गांधी जी को मनवाना मेरी जिम्मेवारी है। और एक तरीके से ये दिखाता है कि कुछ चीजों पर अलग अलग मत रखते हुए भी एक दूरदृष्टि हिंदुस्तान की है, उसमें ये दोनों नेता जो है एक तरीके से एका रखते हैं। और इसीलिए जुलाई में, 3 जुलाई को जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी पार्टीशन को एक्सेप्ट करती है, तो उस समय सरदार साहब जाते हैं गांधी जी के पास और उनसे जो है स्वीकार करवाते हैं पार्टीशन का। लेकिन एक चीज आप लोग याद रखिएगा जो बात बहुत लोग भूल जाते हैं, कई बार लोग कहते हैं आप कांग्रेस क्यों मानी पार्टीशन के लिए, अगर कांग्रेस नहीं भी मानती तो पार्टीशन होता, ये बात तो आप लोग तथ्य कर लीजिएगा, क्योंकि पार्टीशन हमने नहीं करवाया था, पार्टीशन अंग्रेजों ने करवाया था। आजादी अंग्रेजों से मिली थी, आजादी कांग्रेस से नहीं मिली थी। मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूं, आप 3 बैठे हैं,
आप तीनों मेरे बच्चे हैं, प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, तो बंटवारा कौन करेगा? मेरी जीते जी मैं करूंगा, ये तीन करेंगे। सीधी बात है ना, अंग्रेजों के पास प्रॉपर्टी थी। हुआ क्या था, जो चीज जिस चीज को एक तरीके से सही में माना जाता है, जिस कारण से ब्रिटेन चाहता था, 1945-46 में, मई 1946 में ब्रिटिश आर्मी एक मेमोरेंडम लिखती है पार्टीशन की, उसका अपना अंदर का मेमोरेंडम था। और ये आप लोगों को इसको जरूर सुनना चाहिए, जिनको थोड़ी बहुत बंटवारे की रुचि हो पार्टीशन में। उसमें वो ये लिखता है कि हमें एक एकीकृत हिंदुस्तान की आवश्यकता है, और वो इसलिए है क्योंकि हमारे उत्तर में रूस एक बहुत खतरनाक शक्ति बन के आ रहा है। 1945 के दूसरे विश्व युद्ध के बाद से रूस एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनकर खड़ा हुआ था। आप लोगों को मैं रिमाइंड कर दूं कि जर्मनी की जो सेनाएं थी, जो एक एक दिन में तीन तीन चार चार राष्ट्रों को रौंद दिया करती थी, जिसको जर्मन ब्लिट्जक्रीग कहा करते थे, अपने टैंकों और आर्मियों के प्रभाव से फ्रांस को दो दिन में उन्होंने जीत लिया था, स्पेन को दो दिन में जीत लिया था, इंग्लैंड को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था, उसको अगर कहीं रोका था तो स्टालिनग्राद के युद्ध में रूस ने रोका था। और उसके बाद लोगों में ये बात आने लगी थी कि रूस एक महाशक्ति बनकर निकला है। 1919 में वहां लाल क्रांति होती है, कम्युनिस्ट क्रांति होती है, लेकिन 20-25 साल तक किसी को ज्यादा पता नहीं था कि रूस में क्या हो रहा है। 45 में जर्मनी को हराने के बाद एक नया हीरो बनकर रूस निकलता है, और बर्तानिया की सरकार, अमेरिका की सरकार दोनों इस बात को उसी दिन से निश्चित कर लेते हैं कि इस दुनिया का, खासकर उन दोनों देशों का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो कम्युनिज्म है। 1945 से याद रखिएगा, इनकी विदेश नीति में है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो वामपंथी विचारधारा है और कम्युनिज्म है, कोई और नहीं है। शायद आप लोगों को पता ना हो, अगर आप उन दशकों में अमेरिका में वीजा मांगते तो आपसे पूछा जाता था कि क्या आप कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं कि नहीं, और अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर होते थे तो अमेरिका में आपको वीजा नहीं मिलता था, इतना वो लोग कम्युनिस्टों से घबराए हुए थे। तो 1946 में जो आर्मी का डॉक्यूमेंट आता है वो ये कहता है कि रूस की शक्ति को काउंटर करने के लिए हमें एक यूनाइटेड इंडियन आर्मी की जरूरत है, और इसलिए देश को एक रखेंगे जिसकी एक सशक्त सेना बनेगी। मई 1947 में वही आर्मी दोबारा से एक नोट लिखती है, और नोट वो ये लिखती है कि अब देश आजाद होने वाला है। देखिए 46 और 47 के बीच में इंग्लैंड को पता चल गया था कि अब देश आजाद होने वाला है, अब देश जो है हमारी हुकूमत में नहीं रहेगा। उसमें वो ये लिखते हैं कि इस देश का नेता, ये वो लिख रहे हैं, गांधी जी नहीं लिख रहे, कोई कांग्रेसी नहीं लिख रहा, वो लिख रहे हैं कि कांग्रेस का पूरा उसका डॉक्यूमेंट है वो, कोई अगर ढंग से गूगल करेगा तो उसको गूगल में भी मिल जाएगा। गूगल में ध्यान से करिएगा क्योंकि उस नाम से बहुत ही उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट्स लोगों के बनाए हुए चल रहे हैं, अगर ऑथेंटिक ब्रिटिश रिकॉर्ड्स आप निकालें, नहीं तो मैं वो रिपोर्ट आपको भिजवा दूंगा जो ऑचल लेक की रिपोर्ट है, जो हमारा कमांडर इन चीफ था, जिसमें लॉर्ड ऑचल लेक और मॉन्टगोमरी जो सबसे बड़े जनरल थे ब्रिटेन के वर्ल्ड वॉर टू में, उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी थी। वो ये लिखते हैं कि कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता जवाहरलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू वामपंथी विचारधारा का आदमी है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाएगा, ये कॉमनवेल्थ में हमारे साथ नहीं आएगा, इसलिए ये समझना कि उत्तर में रूस और उसके बाद एक और उसी समय कम्युनिस्ट देश था जिसमें बहुत बड़ी क्रांति चल रही थी, जो 1949 में आजाद हुआ, वो चीन, चीन में माओसेतुंग के अंदर लाल क्रांति चल रही थी उस समय, वहां की जो इंपीरियल सरकार थी वो बदली नहीं गई थी, वहां का सम्राट बदला नहीं गया था, लेकिन एक क्रांति चल रही थी। उनको ये डर था कि अगर चीन भी कम्युनिस्ट हो गया और हिंदुस्तान भी जवाहरलाल नेहरू के अंदर कम्युनिस्ट हो गया तो हम सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो उसमें वो लिखते हैं कि जिन्ना और मुस्लिम लीग ज्यादा भरोसे के लोग हैं, ये हमारे साथ ज्यादा भरोसे के रहेंगे, इसलिए ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश नेवी और ब्रिटिश एयरफोर्स तीनों जनरल्स का उसमें हस्ताक्षर है कि हम इस बात को रेकमेंड करते हैं कि अगर हमको देश छोड़ना है तो हमें एक विभाजित हिंदुस्तान को छोड़ेंगे। इसलिए अंग्रेजों ने तो तय कर लिया था कि विभाजित हिंदुस्तान को छोड़ेंगे, तो हम लोग उसमें चाहते या ना चाहते, हमने 3 जुलाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पार्टीशन को माना, तो मानने के बाद जो बाउंड्री पर जितने भी डिस्कशंस हुए उसमें कांग्रेस के सदस्य मेंबर बने, नहीं मानते तो अपनी तरफ से रेडक्लिफ आके जहां चाहे लकीरें बना देते और हिंदुस्तान का बंटवारा हो जाता। फिर आता है 1947 में ये कहानी बनती है कि अब नई सरकार बनेगी,
एक जो कंट्रोवर्सी है जो बार बार आती है, जिसके बारे में आपके लोगों में भी सवाल होगा, जो बार बार कहा जाता है कि भाई कांग्रेस ने तो नेहरू जी को चुना, सरदार पटेल को चुना था प्रधानमंत्री के लिए, इनको तो चुना ही नहीं था सरदार साहब को, और वो गांधी जी ने जो है नेहरू जी को थोप दिया। तो इसका क्या तथ्य है वो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। 1942 में मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आपने देखा होगा। उसके बाद मैंने बताया कि क्विट इंडिया मूवमेंट के, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण सबके सब अरेस्ट हो जाते हैं, कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो पाता है। क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो पाता है, सन 45 तक मौलाना आजाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनकर चलते हैं। 46 में क्या होता है, ये बात आती है कि अब हमें नया अध्यक्ष चुनना चाहिए, क्योंकि उस समय ये बहुत कुछ चल रहा था, उथल पुथल चल रही थी, हम लोग सरकार में जाना था, चुनाव भी हुए थे, पार्टीशन की बात चल रही थी। तो ये हुआ कि कांग्रेस का AICC का अधिवेशन हम लोग नहीं बुला पाएंगे। तो कांग्रेस का अगर अधिवेशन नहीं बुला पाएंगे तो हम कांग्रेस का अध्यक्ष कैसे चुने। तब उसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि किसी ने कांग्रेस के अंदर में कहा कि भाई PCC से भी पूछ लिया जाए। तो PCC से जब पूछा गया तो 13 में से 11 PCC ने सरदार पटेल का नाम जो है सामने रखा, और सरदार पटेल को अध्यक्ष बनना था। तब गांधी जी आए, गांधी जी ने कहा नहीं, सरदार पटेल को नहीं, मैं नेहरू जी को अध्यक्ष बनना चाहता हूं। और मैं एक कोट आपके सामने अवश्य पढ़ना चाहता हूं, एग्जैक्ट कोट में उसमें दिख जाएगा, ये कोट अब बहुत सी चीजें आपके सामने स्पष्ट करेगा। वो समझ में नहीं, पढ़ देता हूं। एक सेकंड जी, आप लोगों को याद होगा मध्य प्रदेश महाकौशल के एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे द्वारका प्रसाद मिश्र, डीपी मिश्रा, उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। डीपी मिश्रा सरदार पटेल के राइट हैंड हुआ करते थे, और डीपी मिश्रा जी के बेटे ब्रिजेश मिश्रा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और कोई भी डीपी मिश्रा जी को नेहरू जी का अनुयायी नहीं मान सकता। बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग लेटर है जिसमें डीपी मिश्रा लिखते हैं सरदार साहब को कि नेहरू पागल हो रखे हैं, और नेहरू का बड़ा प्यारा लेटर है सरदार वापस डीपी मिश्रा को कि आप सही कह रहे हैं, नेहरू जी कभी कभी बहुत बचकाना हरकत करते हैं, कभी कभी बेवकूफ़ी की भी हरकत करते हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ी की हरकत इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदुस्तान के लिए उनके दिल में असीम प्रेम है, और वो हर चीज़ जल्दबाजी में करते हैं, वो रुक नहीं सकते हैं देश की आज़ादी को पाने के लिए। तो डीपी मिश्रा अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें क्या लिखते हैं वो मैं आपके सामने अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका हिंदी में भी अनुवाद कर दूंगा। वेन वी मेंबर्स ऑफ द महाकौशल, जब हम महाकौशल के सदस्य PCC प्रेफर्ड हिम, मतलब पटेल, टू नेहरू एज कांग्रेस प्रेसिडेंट, जब हम महाकौशल के सदस्यों ने पटेल को नेहरू जी से बेहतर समझा कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए, वी हैड नो इंटेंशन ऑफ डिप्राइविंग नेहरू ऑफ फ्यूचर प्रीमियरशिप, हमारे मन में यह कोई बात नहीं थी कि हम नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बना रहे। द यंगर मैन हैड ऑलरेडी बीन रेज्ड टू द ऑफिस ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट थ्राइस, जो इनमें से युवा है वो नेहरू है, वो अब ऑलरेडी 3 बार जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बन चुका है। एंड वी देयरफॉर थॉट इट जस्ट एंड प्रॉपर, और इसलिए हम लोगों को लगा ये न्यायपूर्ण होगा और सही होगा, दैट पटेल द ओल्डर मैन शुड हैव एटलीस्ट अ सेकेंड चांस, इसलिए पटेल जो उनमें बड़े हैं उनको कम से कम एक और मौका मिल जाए कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का। ये वो आदमी लिख रहा है जो सरदार पटेल का दाहिना हाथ था। और आगे बढ़िएगा, एज रिगार्ड्स द प्रीमियरशिप ऑफ फ्री इंडिया, जहां तक भारत की प्रीमियरशिप या प्रधानमंत्री बनने का सवाल है, वी हैव ऑलवेज अ वेग आइडिया दैट हैविंग बीन डिक्लेयर्ड एज हिज सक्सेसर, हमें हमेशा से ये आइडिया था कि जब, क्योंकि महात्मा गांधी ने नेहरू जी को हमेशा अपना सक्सेसर घोषित किया है, डिक्लेयर्ड एज ए सक्सेसर बाय द महात्मा, नेहरू वॉज बाउंड टू ऑक्यूपाई दैट एग्जॉल्टेड ऑफिस
एट द डॉन ऑफ फ्रीडम। नेहरू जी ही वो व्यक्ति हैं जो प्रीमियरशिप की जगह आएंगे जब भी आजादी का उदय होता है। वी देयरफॉर शोड नो रिएक्शन व्हेन पटेल विथड्रू फ्रॉम द कॉन्टेस्ट एट द इंस्टेंस ऑफ द महात्मा। इसलिए हम लोगों ने कभी किसी भी तरीके से कोई हिचक नहीं हुई जब पटेल ने अपना नाम महात्मा जी के कहने पर हटाया। बात यह कि 46 का जो चुनाव था, जो माना जाता है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए था, प्रधानमंत्री के लिए नहीं था। ये जो बात बताई जाती है कि 13 में से 11 लोगों ने, लेकिन उसका मैं एक दूसरा भी आपको तर्क देता हूँ। यहाँ हमारे विधायक जी बैठे हैं, हमारे जिला कांग्रेस के चीफ बैठे हैं, शहर कांग्रेस के चीफ बैठे हैं, और जिन जिन ने भी कांग्रेस के संविधान को पढ़ा होगा, कांग्रेस समिति के संविधान में एक बात अंकित है कि कांग्रेस की तमाम कमेटियां अगर अपना निर्णय खुद नहीं ले पाए तो आपातकाल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी उसकी जगह निर्णय ले सकती है। आपको याद होगा जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो शाम को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मिलकर, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं बुलाई गई थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राजीव गांधी का नाम बतौर प्रधानमंत्री के चुना। उसके बाद वो गए, ज्ञानी जैल सिंह ने उनको शपथ दिलवाई, वो भारत के प्रधानमंत्री बने, और उसके दूसरे या तीसरे दिन कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी ने विधिवत रूप से उनको अपना अध्यक्ष चुना। तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन तय करता है? कांग्रेस पीसीसी प्रेसिडेंट तय करते हैं या एआईसीसी? एआईसीसी इमरजेंसी में एआईसीसी बड़ी कमेटी है। एआईसीसी की जगह, एआईसीसी की एब्सेंस में आपातकाल में कौन निर्णय ले सकता है? कांग्रेस के संविधान में केवल कांग्रेस वर्किंग कमेटी। और एक चीज जो ये लोग नहीं बताते हैं, जब ये कहते हैं कि 11 में से 13 पीसीसी ने वोट किया था, उसी के साथ साथ वर्किंग कमेटी में भी वोटिंग हुई और वर्किंग कमेटी मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम देती है कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो चाहे टेक्निकल तरीके से मान लीजिए, चाहे डीपी मिश्रा जी की आर्गुमेंट से मान लीजिए, अध्यक्ष के चुनाव में इसलिए सरदार पटेल का नहीं बल्कि नेहरू जी का नाम सामने रखा जाता है। और जो बातें दो या तीन कही गई थी उस समय में, एक तो ये थी कि 14 साल का अंतर था। उस समय सरदार पटेल करीबन 70 साल के थे और नेहरू जी 55 या 56 साल के उस समय थे। सरदार साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, बल्कि बहुत कम लोग जानते होंगे 1942 में जब सरदार साहब को जेल हुई थी क्विट इंडिया की, तो उन्होंने अपने मित्रों से कहा था कि ये हो सकता है आपकी हमारी आखिरी मुलाकात होगी। और 1942 में अहमदनगर की जेल में भी सरदार साहब बहुत समय तक बीमार रहते थे, बल्कि सन 45-46 में 2 या 3 बार ये भी सस्पेक्ट हुआ था कि सरदार साहब को कैंसर होगा, लेकिन पता चला था कि उनको कैंसर की बीमारी नहीं थी। एक और बात थी जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 46 में, जैसे मैंने आपको बताया, हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं, यहाँ ज्यादातर लोग राजनीतिक होंगे, जो नहीं भी होंगे वो मेरे इस तर्क को मानेंगे कि हम लोग भी, जब मैं क्योंकि एक पॉलिटिशियन भी हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे चुनाव में जो हमारे इलाके के पॉपुलर लीडर है वो आपके भाषण में, विधायक जी यहाँ बैठे हैं, विधायक जी अगर आपको राहुल गांधी और मेरे बीच में चुनना होगा तो आप किसको बुलाएंगे? क्यों? पॉपुलर, ठीक है, बाकी उनमें जो भी गुण हो मैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूं। तो एआईसीसी में 1946 में बड़े नेताओं की जो डिमांड आती है उसमें 333 जगहों से पंडित नेहरू की डिमांड आती है और 46 जगहों से सरदार पटेल की डिमांड आती है। इस बात को यह सिद्ध करता है कि देश का अगर कोई समय पॉपुलर लीडर था तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये बात कहना कि नहीं इनको जबरदस्ती थोपा गया था, ये लीडर नहीं है, ये नहीं है। और सरदार साहब की क्या पॉपुलैरिटी थी वो मैं दो और बातों से आपके सामने सिद्ध करूंगा। बार बार कहा जाता है कि सुभाष बोस में और सरदार साहब में भी बहुत झगड़े हुए थे। सुभाष बोस का जो अपना अंतिम पत्र है कांग्रेस को, उसमें वो लिखते हैं कि द ओनली पर्सन एबल टू लीड इंडिया इनटू इट्स फ्यूचर इज गोइंग टू बी जवाहरलाल नेहरू। और एक आर्टिकल है एक बहुत ऐसे व्यक्ति का जो मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा जिसके दिल में उस व्यक्ति के प्रति भावना नहीं होगी, वो है शहीद भगत सिंह। शायद ही कोई होगा जो शहीद भगत सिंह के अंदर में, हमारे अंदर में एक रोमांच आता है जब हम उसकी बात करते हैं। शहीद भगत सिंह ने अपनी फांसी के कुछ साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, वो आर्टिकल मैं आप सबसे होगा जरूर पढ़े। उसमें वो सुभाष चंद्र बोस को और पंडित जवाहरलाल नेहरू को कंपेयर करते हैं और उसमें लिखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस कैसे हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे हैं। और दोनों को कंपेयर करने के बाद जो आखिरी लाइन वो लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि आज के पंजाब के युवाओं को
एक क्रांतिकारी आदर्श की आवश्यकता है, और अगर कोई उनके लिए क्रांतिकारी आदर्श हो सकता है तो जवाहरलाल नेहरू है। तो ये तो और नेताओं का उनके प्रति क्या भावना थी उसको केवल मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। खैर, उसके बाद कैबिनेट बनती है। अब एक और नई कॉन्ट्रोवर्सी आती है, क्योंकि मैं ये 3-4 साल का पीरियड उन कॉन्ट्रोवर्सीज के हिसाब से आपके सामने पढ़ूंगा। ये आता है बीच में भारतीय जनता पार्टी ने एक शगुफा छोड़ा कि वो तो सरदार पटेल को मंत्री ही नहीं बनाना चाहते थे। पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं सुना होगा। तो 3 या 4 दस्तावेज मेरे सामने हैं, वो मैं बाद में आपको दे दूंगा। 19 जुलाई को एक पत्र जो है, 19 जुलाई की बात ये है, 19 जुलाई को एक पत्र लिखा जाता है सरदार जवाहरलाल नेहरू द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन को, जिसमें वो एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि साहब अब हमें नई कैबिनेट बनाने की जरूरत है, क्योंकि मुस्लिम लीग के तमाम मंत्री जो हैं वो इस्तीफा दे दिए हैं। 10-15 महीने बाद जो है आज़ादी होने वाली है, वो लोग वहाँ चले जाएंगे, तो मेरी पुरानी कैबिनेट में से ये तमाम मंत्रियों को रिपीट किया जाए। उसमें सबसे पहला नाम है सरदार पटेल का, बाकी उसमें राजेंद्र प्रसाद हैं, मौलाना आज़ाद हैं, बाबू जगजीवन राम हैं, और ये लोग इसमें उस समय डॉक्टर अम्बेडकर ये लोग नहीं आए थे, क्योंकि वो उस कैबिनेट को केवल रिपीट कर रहे थे। और फिर वो लिखते हैं कि जो इनके डिपार्टमेंट इस तरीके से बांटे जाए, बाकी कैबिनेट की हम आपको बाद में बताएंगे। फिर कैबिनेट बनने की प्रक्रिया चालू होती है। एक चिट्ठी है 30 जुलाई की, 30 जुलाई को एक पत्र लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल को। वो पत्र में वो लिखते हैं कि मैंने अंबेडकर से बात कर ली है, अंबेडकर जी मान गए हैं कि वो कैबिनेट में न्याय के मंत्री बनेंगे। वो कह रहे थे कि मुझे बहुत काम नहीं होगा कानून में, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप दिक्कत मत करो, काम बहुत होगा जब वो सरकार बनेगी। मैंने मौलाना आज़ाद से भी बात कर ली है, मैंने रफ़ी अहमद किदवई से भी बात कर ली है, आप षणमुगम चेट्टियार और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से बात कर लीजिए कि वो मान जाए मंत्री बनने का, और गाडगिल और अमृता प्रीतम से मेरी अभी बात नहीं हुई है, वो मैं आगे चल के अपनी बात कर लूँगा। तो न केवल सरदार साहब मंत्रिमंडल में थे, बल्कि मंत्रिमंडल के बनने में उनकी एक प्रमुख भूमिका थी। उनसे कहा जाता है कि इन लोगों से आप बात कर लीजिए। 1 तारीख की सवेरे एक पत्र जो है भेजते हैं नेहरू जी, देखिए अगर वो पत्र मुझे मिल जाए तो मैं कोशिश करूंगा उसको पढ़ने की आपके सामने। हाँ, ये 1 अगस्त की चिट्ठी है, इसका टॉप पार्ट मैं आपको पढ़ता हूँ। माय डियर वल्लभ भाई, एज फॉर्मेलिटीज हैव टू बी ऑब्जर्व्ड टू सम एक्सटेंट, क्योंकि कुछ औपचारिकताएं हमें निभानी पड़ेगी। आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू टू ज्वाइन द न्यू कैबिनेट, मैं आपको नई काबिना में शामिल होने के लिए एक पत्र लिख रहा हूँ। दिस राइटिंग इज समवॉट सुपरफ्लूअस, इसको लिखने का कोई अर्थ नहीं है, बिकॉज यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ द कैबिनेट, क्योंकि काबिना के आप सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हो। ये नेहरू जी चिट्ठी लिखते हैं सरदार पटेल को, और सरदार पटेल 3 अगस्त को वापस पत्र लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को। माय डियर जवाहरलाल, मेनी थैंक्स फॉर योर लेटर ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंट, आर अटैचमेंट एंड अफेक्शन फॉर ईच अदर, आपके मेरे बीच में जो प्रेम और प्यार है, एंड आर कॉमरेडशिप फॉर एन अनब्रोकन पीरियड ऑफ नियरली 30 ईयर्स एडमिट नो फॉर्मेलिटीज, आपके मेरे बीच में जो कॉमरेडरी और बंधुत्व रहा है पिछले 30 साल का, उसमें किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। माई सर्विस विल बी एट योर डिस्पोजल, मेरी सेवाएं आपके लिए हमेशा हैं। आई होप और मैं उम्मीद करता हूं फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, मेरी पूरी बची हुई जीवन में, एंड यू विल हैव अनक्वेश्चन्ड लॉयल्टी एंड डिवोशन फ्रॉम मी इन द कॉज फॉर विच, और आपके प्रति मेरी बिना किसी सवाल के, बिना किसी हिचक के, मेरी आपके प्रति सम्मान रहेगा और लॉयल्टी रहेगी। आई होप फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ एंड यू विल हैव अनक्वेश्चन्ड लॉयल्टी एंड डिवोशन फ्रॉम मी। आगे लाइन पढ़िएगा,
इन द कॉज फॉर विच नो मैन इन इंडिया हैज सैक्रिफाइज्ड एज मच एज यू हैव डन, क्योंकि आप जिस काम में कर रहे हैं उसमें किसी और व्यक्ति ने इतना सैक्रिफाइस नहीं किया है जितना आपने किया है. आर कॉम्बिनेशन इज अनब्रेकेबल एंड देयर लाइज आर स्ट्रेंथ. आई थैंक यू फॉर द सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस्ड इन योर लेटर. चाहते तो सरदार पटेल एक लाइन का हाँ भेज सकते थे, लेकिन वो हाँ ही नहीं भेजते हैं. वो कहते हैं कि आजीवन मैं आपके साथ देश की सेवा करूंगा, आपके साथ लॉयल रहूंगा, और जिस काम के लिए आपसे ज्यादा किसी और ने इस देश के लिए अपना न्योछावर नहीं किया है उसमें मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा. ये उन सेंटीमेंट्स को दिखाता है. अगर सही में इनके बीच में कटुता होती, अगर इनको लगता कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बना गया हूं, छल कपट से पीछे किया गया हूं, तो सरदार साहब का एक गुण तो सब जानते हैं कि सरदार साहब हमेशा साफ बात किया करते थे, सीधे बात किया करते थे, और कभी मक्खन लगाने की आदत सरदार साहब की कभी नहीं थी. ये चिट्ठी एक तरीके से तो मक्खन लगाने वाली चिट्ठी है. या तो आप मान लीजिए कि नेहरू जी को वो मक्खन लगा रहे थे, या वो इस बात को स्पष्ट कर रहे थे कि सही में उनके दिल में नेहरू जी के लिए सम्मान और स्नेह था. अगर आपको लगता है कि सरदार पटेल वो सरदार है जिसने इस देश को बचाया, तो फिर वो झूठ नहीं लिखता है और उसको झूठ लिखने की आवश्यकता भी नहीं. इसी तरीके से कैबिनेट बनती है. कैबिनेट बनने के बाद आगे समय निकलता है. अब जो महत्वपूर्ण सवाल आता है, जिसपे कई बार ये सवाल खड़े किए जाते हैं, कश्मीर का और इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स का, इसके पीछे मैं आपको संदर्भ बताता हूं. एक तरीके से राज्यों को, राजे महाराजाओं के राज्यों को देश में लाने के लिए सबसे पहले कदम अगर किसी ने उठाया था तो सरदार पटेल, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था. जब स्टेट्स की कांग्रेस बनाई गई, उस समय कांग्रेस के नेता उसमें उस तरीके से आगे बढ़कर काम नहीं किया करते थे, तो सरकार में एक डिपार्टमेंट था जो राजे रजवाड़ों को देखता था, जिनका नाम था पॉलिटिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट. तो जब प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पॉलिटिकल अफेयर्स डिपार्टमेंट का नाम कर देते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स. और नेहरू जी होम मिनिस्टर थे, लेकिन उसके साथ साथ उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स का दायित्व दिया जाता है. और ये जो बात कही जाती है, बल्कि इसमें कई किताबें भी, जो बात कही जाती है कि नेहरू जी ने देश को जोड़ा, स्वाभाविक है, वो उसके मंत्री थे. उन्होंने और वीपी बनन ने मिलकर बहुत तगड़े तरीके से पूछे 560 है कितने जो राजे रजवाड़े थे उनका देश में मिलाप किया. लेकिन ये इस पूरी रणनीति में और शुरू में किस तरीके से ये हुआ, ये तमाम कैबिनेट की मीटिंग बताती हैं कि इसकी शुरुआती रणनीति में नेहरू जी भी उतने हिस्सेदार थे जितने बाकी लोग थे. और सबके अंदर में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जाता है, वो शुरू में तमाम राज्यों के साथ केवल तीन विषयों पे हुआ था, जिस पे बार बार कहा जाता है ना कि साहब कश्मीर को कहा गया था केवल तीन विषयों पे विलय होगा और बाकी नहीं. जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तमाम राजे रजवाड़ों से साइन हुआ था, उन सब में भी कम्युनिकेशन, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स को छोड़ के ये तीन जो है भारत सरकार के अधीन किए गए, और बाकी राजे रजवाड़ों के साथ तो ये था कि बाद में इनका मेल मिलाप होगा. तो ये प्रक्रिया तमाम राज्यों के साथ की गई. अब आता है सवाल धीरे धीरे जिसमें मैं आना चाहता हूं, कश्मीर का सवाल. कश्मीर के सवाल में सरदार साहब का जो पहले ओपिनियन था, वो कोई बहुत ज्यादा कश्मीर के प्रति उनके अंदर में कोई भावना नहीं थी. उनका ये कहना था कि ये मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश है, हमने नीति अपनाई है, तो ये मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश जो है ये चाहे पाकिस्तान में चले जाए या कहीं चला जाए, और अगर आप दो जो बड़े इंपॉर्टेंट अधिकारी इनके साथ काम करते हैं, एक वीपी मेनन जिनका आपने नाम लिया, और इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वी शंकर, दोनों ने सरदार साहब के बारे में दो किताबें लिखी हैं, तीन चार किताबें लिखी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं. उन तीनों चार दो किताबों को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें दो या तीन बात निकल कर आती है, जिसका मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहूँगा. करीबन 16 या 17 जुलाई को माउंटबेटन जाते हैं महाराजा कश्मीर से मिलने. उसके पहले 3 जुलाई के पहले राजे रजवाड़ों से ज़्यादा बातचीत नहीं होती, और ये भी नहीं पता था कि महाराजा हरि सिंह क्या करेंगे. तो ये होता है कि हम लोग अब उनसे भी मिले. तो माउंटबेटन जो हैं वो कश्मीर जाते हैं, और वहाँ माउंटबेटन जो राजा कश्मीर से कहते हैं वो वीपी मेनन की किताब में भी है और वी शंकर की किताब में भी है. और ये जो मेरे पास तमाम दस्तावेज हैं, इसमें जो भी चाहे मैं आपको वो किताब का नाम, किताब का नंबर, किताब का पेज दे सकता हूँ, वो नेट पे भी मिल जाएगा, और आप लोग चाहें तो उसको दुकानों से भी उन किताबों को खरीद सकते हैं. तो जो मैं व्याख्या अभी तक जितने आपको बताए हैं सब कहीं ना किसी न किसी डॉक्यूमेंट से निकाल कर, स्वाभाविक है कि मैं वो की पढ़ नहीं रहा हूँ, अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, लेकिन वो सार उनका वही है.
माउंटबेटन राजा हरि सिंह से ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी निर्णय लें 15 अगस्त के पहले, और हम चाहेंगे कि आप भारत की यूनियन में अपने आप को जोड़ें। लेकिन मेरे पास सरदार पटेल का आश्वासन है कि अगर आप पाकिस्तान में भी जुड़ना चाहते हैं तो उनकी तरफ से कोई आपत्ति नहीं। आई हैव नो ऑब्जेक्शन दैट ही सेज ही विल हैव नो ऑब्जेक्शन इवन इफ यू जॉइन कश्मीर में। देखो अगर मिल सकेगा तो मैं आपको पढ़ता हूं। फिर वो ये लिखते हैं, वीपी मेनन की किताब का एक हिस्सा है जूनागढ़ हैदराबाद और कश्मीर पे, जब वीपी मेनन लिख रहे हैं, शुरुआती बात है कि आई हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड दैट सरदार वाज कंसेंट टू लीव। सरदार साहब इस बात से सुनिश्चित थे, कंसेंटेड टू लीव टू द रूलर, टू द रूलर मतलब महाराज हरि सिंह, एंड वेंट सो फार एज टू से, और यहां तक सरदार साहब गए कि इफ द रूलर जो राजा है एंड स्टेट्स इंटरेस्ट और उनके राज्य की अपने जो स्वार्थ है लेन एक्सेशन टू पाकिस्तान ही विल नॉट स्टैंड इन हिज वे। सरदार साहब का यह साफ कहना था कि अगर पाकिस्तान का महाराजा तय करता है कि मुझे पाकिस्तान में विलय करना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और यही नहीं, एक जूनागढ़ जब हिंदुस्तान का हिस्सा बनता है, फिर एक और चीज मैं वीपी मेनन की किताब से भी मैंने ये एक्सट्रैक्ट लिया, ये भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। इसमें ये दिया था, शॉर्टली बिफोर द ट्रांसफर ऑफ पावर, मतलब 12 या 13 अगस्त की बात है, पंडित काक जो प्रधानमंत्री थे कश्मीर के, उनकी जगह मेजर जनरल जनक सिंह को वहां प्रधानमंत्री बना दिया गया। ये पूरा पैराग्राफ में पढ़ रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर की सरकार देन अनाउंस्ड देयर इंटेंशन टू नेगोशिएटिंग अ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। 12 या 13 अगस्त को महाराजा हरि सिंह एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट कहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान से। स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट था कि हम जैसी स्थिति में हैं वैसे हम रहेंगे, अभी मैंने तय नहीं किया है कि मैं हिंदुस्तान में जाना चाहूंगा या पाकिस्तान में जाना चाहूंगा। जबकि खबर यह थी कि महाराजा हरि सिंह इस बात की भी चर्चा कर रहे थे कि क्या मैं अपना एक स्वायत्त देश बना सकता हूं कि नहीं, मतलब एक इंडिपेंडेंट जम्मू एंड कश्मीर राज्य बना सकता हूं कि नहीं। हुआ क्या था कि जब भारतीय भारत को आजादी देने के लिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट में निर्णय हुआ था तो उस समय 3 बातें कही गई थी इन राजे रजवाड़ों को लेकर, कि या तो वो पाकिस्तान में विलय कर सकते हैं, या वो हिंदुस्तान में विलय कर सकते हैं, और चाहे तो एक आजाद राज्य रह सकते हैं। इस पर कांग्रेस ने बहुत हंगामा मचाया था, और फिर एटली जो वहां के प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि नहीं, दो ही इनके सामने रहेंगे ऑप्शन, या भारत में चले जाएं या पाकिस्तान में चले जाएं। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा देश था जो दोनों के अंदर नहीं था, आपने उसका भूगोल देखा होगा ऊपर है, तो वही एक देश था जो अगर चाहे तो इंडिपेंडेंट रह सकता था, क्योंकि वो ऊपर था, पाकिस्तान से भी जुड़ा हुआ था, हमसे भी जुड़ा हुआ था, उसके अलावा अलग से भी था। तो महाराजा ये कहते हैं कि वो स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट भेजते हैं कि भाई हम जैसे हैं वैसे हम रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट को नहीं मानता है, पाकिस्तान फौरन इस पर दस्तखत कर देता है, हम लोग इस एग्रीमेंट को नहीं मानते। और कारण इसका ये था जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि उस समय क्योंकि भाई वो तो एक ही देश था, और एक देश में आप ये समझ के तो सड़कें या टेलीग्राम नहीं बनाते हैं कि कभी बंटवारा होगा। भाई घर में आपका अगर समझ लो घर आपका बांट दिया जाए तो घर में आप बेडरूम बाथरूम ये सोच के थोड़ी बनाते हो कि किसी दिन घर का बंटवारा होगा, मैक्सिमम आप पहली मंजिल दूसरी मंजिल बनाते हो। लेकिन अगर बंटवारा होगा तो किचन कहाँ रह गया, बेडरूम कहाँ रह गया, ये तो हम तय नहीं कर सकते। तो हुआ क्या था कि जितनी कम्युनिकेशन थी और बड़ी सड़कें थी वो सब पाकिस्तान द्वारा थी, तो हिंदुस्तान से ऊपर एक ही सड़क जाती थी जो गुरदासपुर से होकर कश्मीर की तरफ जाती थी, बाकी तमाम रास्ते तो थे। इसलिए पाकिस्तान, क्योंकि आपने देखा वो समय कवालियों का हमला, तभी से जिन्ना प्लान कर रहे थे, तो जिन्ना को लगा कि अगर हम स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट में दस्तखत कर देते हैं और चोरी से हम घुस जाएंगे तो हम तो आराम से घुस जाएंगे, तो हिंदुस्तान ने स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन नहीं किया। सो विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान साइन द स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट, बट वी वॉन्टेड टाइम टू एग्जामिन इट्स इंप्लीकेशन। हमने कहा कि हमें समय चाहिए इसको दस्तखत करने के पहले। वी लेफ्ट द स्टेट अलोन, हमने उस राज्य को अलग छोड़ दिया। वी डिड नॉट, सुनिए वीपी मेनन क्या कहते हैं, बार बार कहा जाता है ना कि सरदार पटेल ही कहते थे कि आप भारत में मिले, भारत में मिले, भारत में मिले, और वीपी मेनन वो आदमी थे जो नेगोशिएट कर रहे थे सबसे, सरदार साहब नहीं कर रहे थे, वीपी मेनन कर रहे थे। वी लेफ्ट द स्टेट अलोन
वी डिड नॉट आस्क द महाराजा टू एक्सीड. हमने महाराजा से उस समय भारत में विलय करने की बात नहीं कही. वी डिड नॉट आस्क द महाराजा टू एक्सीड. दो एट दैट टाइम एज द रिजल्ट ऑफ द रैडक्लिफ अवार्ड द स्टेट हैड बिकम कनेक्टेड बाय रोड विथ इंडिया. जबकि उस समय रैडक्लिफ ने जो बाउंड्री बनाई थी उससे हमको अब एक डायरेक्ट रूट मिल गया था. वो डायरेक्ट रूट कैसे मिला था उसकी भी मैं आपको कथा बताऊंगा. ओइंग टू द कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि वहां आबादी ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य थी और स्टेट का एक अपना कैरेक्टर था. मोर ओवर आर हैंड्स वर ऑलरेडी फुल. यही नहीं, हम लोग बहुत ज्यादा बिजी थे. एंड अगर मैं सच कहूं, इफ ट्रूथ बी टोल्ड, आई फॉर वन सिंपली हैड नो टाइम टू थिंक ऑफ कश्मीर. मेरे पास इतने और काम थे कि अभी मेरे पास कश्मीर के बारे में सोचने का भी समय नहीं था. सरदार साहब का इसलिए शुरू में यह था कि ठीक है भाई, कश्मीर के बारे में हम बाद में सोचेंगे. सरदार साहब का पूरा रवैया बदलता है 13 सितंबर 1947 को. 13 सितंबर 1947 को सवेरे वो बलदेव सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री थे उनको एक पत्र लिखते हैं कि भाई पाकिस्तान को जो करना वो करे. दोपहर में 11 या 12 बजे उनको खबर आती है. नवाब जूनागढ़ ने क्या किया था, नवाब जूनागढ़ ने 15 अगस्त को ये बात डिक्लेयर की थी कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा. एक तो जूनागढ़ पाकिस्तान की सीमाओं से 600-700 किलोमीटर दूर था. दूसरा, जूनागढ़ में 80 या 82% आबादी जो थी हिंदुओं की थी, तो जूनागढ़ के वहां मिलने का कोई मतलब नहीं था. लेकिन जूनागढ़ के नवाब ने ज्वाइन कर लिया था पाकिस्तान. पाकिस्तान ने उस एक्सेशन को स्वीकार नहीं किया था. लेकिन 13 सितंबर को क्योंकि उस चीज को स्वीकार करते हैं नेहरू जी, उसी समय सरदार पटेल अपनी बात पलटते हैं और कहते हैं नहीं, अगर ये इस प्रिंसिपल को तोड़ सकते हैं तो हम भी इस प्रिंसिपल को तोड़ सकते हैं कि हम मुस्लिम बाहुल्य राज्य को अपने अंडर में नहीं लेंगे. अब ये कहानी चलती है और कश्मीर में जो बार बार, देखिए कश्मीर का विलय होता है, कबाली घुसकर आते हैं अक्टूबर में, उसके बाद लड़ाई होती है. लेकिन मैं जिस प्रश्नों पर जाना चाहता हूं वो ये नहीं जानना चाहता कि क्यों कश्मीर मिला कैसे नहीं मिला. बात ये है नेहरू जी और पटेल के संबंध के बीच की बात. और ये कहा जाता है बार बार कि नेहरू जी तो कमजोर थे, नेहरू जी नहीं चाहते थे, सरदार पटेल ही चाहते थे. तो मैं एक पत्र आपके सामने पढ़ना चाहता हूं. पत्र शायद ही किसी ने कभी आपके सामने पढ़ा होगा, लेकिन ये पत्र बहुत जरूरी है. ये दो पत्र हैं और आप इनको जरूर सुनिएगा. एक ये पत्र है 27 सितंबर 1947. कबालिए कब आए थे हिंदुस्तान में पाकिस्तान से, किसी को आइडिया है डेट का? ये 22-24 अक्टूबर को इन्होंने अपना हमला शुरू किया था. 26 को जम्मू कश्मीर ने भारत में अपना विलय पर हस्ताक्षर किए और 27-28 को हमारी सेनाएं श्रीनगर पहुंची. तो 27 सितंबर एक तरीके से उससे सीधे एक महीने पहले की बात है. हमारे प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल को एक चिट्ठी लिखते हैं. चिट्ठी का प्रारूप है और ये मैंने दोनों सरदार साहब की कॉरेस्पॉन्डेंस और पंडित जवाहरलाल नेहरू की कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों से निकाला है, इसलिए झूठ नहीं हो सकता है पत्र. माई डियर वल्लभ भाई, आई एम राइटिंग टू यू अबाउट द कश्मीर. आई मेट द महाजन बिफोर ही वेंट देयर एटसेट्रा एटसेट्रा. आप देखिएगा जो महत्वपूर्ण पैराग्राफ है. इट इज ऑब्वियस टू मी फ्रॉम मेनी रिपोर्ट्स. ये मेरे लिए स्पष्ट है बहुत सी रिपोर्ट सुनकर. आई हैव रिसीव्ड दैट द सिचुएशन इज अ डेंजरस एंड डिटेरिएटिंग वन. कश्मीर की स्थिति बहुत खतरनाक है और दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है. पंजाब का मुस्लिम लीग और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर तैयारियां कर रहे हैं टू एंटर कश्मीर इन कंसिडरेबल नंबर्स. कश्मीर में घुसपैठिए घुसने की तैयारियां कर रहे हैं. ये एक महीने पहले हमारा प्रधानमंत्री हमारे गृहमंत्री को वार्निंग करके चिट्ठी भेजता है. द अप्रोच ऑफ विंटर इज गोइंग टू कट ऑफ कश्मीर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वैली. जैसे ही सर्दियां आएंगी पूरी की पूरी कश्मीर घाटी बाकी हिंदुस्तान से कट जाएगी. द ओनली नॉर्मल रूट देन इज वाया द झेलम वैली. फिर हम सिर्फ झेलम की घाटी से ऊपर जा पाएंगे. जम्मू रूट कैन हार्डली बी यूज ड्यूरिंग विंटर एंड एयर ट्रैफिक इज ऑल्सो सस्पेंडेड. हम जम्मू का रास्ता भी नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, हवाई जहाज भी हमारे नहीं जा पाएंगे. देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट समथिंग शुड बी डन बिफोर दीज विंटर्स कंडीशन सेटिंग. इसलिए सर्दी के आने के पहले बहुत आवश्यक है कि हम कुछ करें. दिस मीन्स प्रैक्टिकली बाई द एंड ऑफ अक्टूबर
इसका मतलब है व्यवहारिक रूप में अक्टूबर के अंत तक और द बिगिनिंग ऑफ नवंबर या नवंबर की शुरुआत में एयर ट्रैफिक विल बी डिफिकल्ट बिफोर दैट। आई अंडरस्टैंड, मुझे ये खबर मिली है दैट पाकिस्तान स्ट्रैटेजी इज टू इन्फिल्ट्रेट इनटू कश्मीर, कि पाकिस्तान की ये रणनीति है कि वो हिंदुस्तान में घुसपैठिए भेजेगा एंड टू टेक सम बिग एक्शन, और कोई बड़ा वो एक्शन करेगा एज सून एज कश्मीर इज मोर और लेस आइसोलेटेड बिकॉज ऑफ द कमिंग विंटर। जैसे ही सर्दियां आने से कश्मीर हमसे अलग हो जाएगा। इसका मतलब है प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री को बता देते हैं एक महीने पहले कि घुसपैठिए हमारे यहां घुसने वाले हैं। अब सरदार साहब ने तो इस पर कुछ नहीं किया, तो हम उनको क्या देशद्रोही बोले? कभी सुना आपने पंडित जी ने कहा कि सरदार साहब तुम निकम्मे निकले, मैंने तुमको चिट्ठी भेजी थी तुमने कुछ नहीं किया? आपने सुना कभी? बार बार कहा जाता कि नेहरू जी ने देश बेच दिया, ये क्यों नहीं कहा जाता कि सरदार साहब ने देश बेच दिया? इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे का सम्मान करते थे, वो जानते थे कि सब देश हित में काम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ कारणों से इस चिट्ठी पे एक्शन नहीं ले पाए होंगे, लेकिन सरदार साहब ने, ये तो नहीं है कि नेहरू के लोगों ने चिट्ठियों को बार बार दिखाया कि क्यों सरदार साहब ने ये बात नहीं कही थी। वही नहीं, मैं आपको एक और चिट्ठी का संदर्भ देता हूं। उसी के 5-7 दिन बाद 5 अक्टूबर को फिर जवाहरलाल जो है सरदार साहब को चिट्ठी लिखते हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान का है फ्रंटियर का, वहां का जो डिप्टी कमिश्नर है, जो अपने यहां कलेक्टर होता है या जिलाधीश होता है उसको डिप्टी कलेक्टर कहते हैं, दीवान शिव शरण लाल मेरे ऑफिस में आए थे और उन्होंने मुझे सीधे सीधे बताया है कि करीबन 15 दिन पहले एक स्कीम बनी है कि जिसमें कबालिए ट्राइबल पीपल टू द पाकिस्तान कश्मीर बॉर्डर फ्रॉम मलाकंद टू सियालकोट, मलाकंद और सियालकोट से ये ट्राइबल इन्वेजन हिंदुस्तान में होगा। अबाउट 5 लाख हैव मूव्ड, मोर आर मूविंग इन लार्ज नंबर्स, 5 लाख के करीब अभी तक आ चुके हैं और भी आएंगे, ये लॉरीज में आ रहे हैं, सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री प्रोवाइडेड बाय पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो 2 बार प्रधानमंत्री सचेत करते हैं अपने गृह मंत्री को कि ये होने वाला है, फिर भी हम नहीं रोक पाते। मैं सरदार साहब पे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि बहुत आसान है किसी पर उंगली उठाना और किसी को निकम्मा, देशद्रोही या देशभक्त के अलग डिक्लेयर करना। अगर केवल हम ये चिट्ठी पढ़ें तो अगर हम आजकल की दक्षिणपंथी ताकतों में होंगे तब उछल के कहेंगे सरदार साहब ने तो देश बेच दिया, वो तो जानकर कश्मीर को जाने देते, बात ये नहीं थी। मैं केवल इसका संदर्भ इसलिए दे रहा हूं कि जो भी निर्णय उस समय हुए मिलजुल कर हुए, हमारी क्षमताओं के हिसाब से हुए, हमारी समझ से हुए, क्योंकि इसी समय बीपी मेनन चिट्ठी भी लिख रहे हैं कि हमारी फौजें जो हैं अभी तक रीऑर्गेनाइज नहीं हुई हैं, हमको जगह जगह अपनी फौजों के इस्तेमाल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कश्मीर पर भी हमको सचेत होकर कदम लिखने पड़े। ये है जहां तक कश्मीर का सवाल था। अब आता है आर्टिकल 370 जिस पर बार बार बातें कही जाती है, वो क्यों लगाया गया क्या नहीं गया उसके बीच में मैं नहीं जा रहा हूं। मैं इन दोनों के संदर्भ के बीच की केवल बात बताना चाहता हूं, सरदार साहब और नेहरू जी के बीच में। आर्टिकल 370 की जब आने की बात होती है तो आर्टिकल 370 की सबसे पहली मीटिंग होती है 15 और 16 मई 1949 को। उस मीटिंग में सरदार साहब भी थे और उस मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। और ये मीटिंग कहां रखी जाती है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के घर पे रखी जाती है, ये कहीं और नहीं रखी जाती। सरदार वल्लभ भाई पटेल के घर पे ये पहली मीटिंग रखी जाती है। और मैं इसके 2-3 संदर्भ आपको आर्टिकल 370 के जरूर दूंगा। जो सेलेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट था उसमें वी शंकर एक बात लिखते हैं अपनी किताब में नेहरू जी के बारे, सरदार पटेल के बारे में, और वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। वन ऑफ सरदार्स नोटेबल अचीवमेंट्स, सरकार की जो कुछ तारीखी बातें थी उसमें एक बात हम लोगों को ज्ञान में रखनी पड़ेगी, नोटेबल अचीवमेंट इन रिलेशन टू जम्मू एंड कश्मीर, इन रिलेशन की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में सरदार साहब की एक तारीखी बात थी, वॉज द एडिशन मानिएगा, मतलब उसको जोड़ा, एडिशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ द स्टेट टू इंडिया। मतलब उन्होंने ये नहीं लिखा कि सरदार ने इसको पास करवाया, उन्होंने ये लिखा कि उनकी नोटेबल अचीवमेंट थी एडिशन ऑफ दिस एलिमेंट। सरदार साहब 370 के बनाने में
उसको पास कराने में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। और 370 में कम से कम नेहरू जी और पंडित जी के बीच में जिस तरीके की बातें कही जाती किसी तरीके का मतभेद नहीं था। एक और नोट है जिसमें गोपाल स्वामी अय्यंगर जो मंत्री बनाए गए थे कश्मीर के, वो एक पत्र लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू उस समय अमेरिका में थे, कि प्रारूप 370 का फाइनल हो गया है, अब आप सरदार साहब को कहते हैं कि सरदार साहब प्रारूप जैसे आपने बताया था तैयार हो गया है। इसमें बीच में कई पत्र हैं उनके और शेख अब्दुल्ला के बीच में, सरदार साहब और शेख अब्दुल्ला के बीच में 370 की तमाम धाराओं पर चर्चा करते हुए। तो फिर वो लिखते हैं कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहिए कि ये प्रारूप स्वीकार है, अगर आप कहेंगे तभी पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको मानेंगे और फिर वो शेख अब्दुल्ला को ये प्रारूप देंगे। ये 370 में सरदार साहब और नेहरू जी के बीच की थी। एक बात पर उनमें मतभेद था, वो यूनाइटेड नेशंस का जो सवाल था, जो हम यूनाइटेड नेशंस को सवाल लेकर जाते हैं, लेकिन उसमें किस चीज पर मतभेद था वो भी मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा, और वो भी अगर कागजों से ही मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगा। इसके बाद ज्यादा समय नहीं है, बस मैं 5-7 मिनट आपके और दूंगा। माफ करिएगा मैं उतना ऑर्गेनाइज नहीं हूं, तो कागज इधर उधर थोड़े हो जाते हैं। ये पढ़िएगा, इसको भी मैं पढ़ता हूं कि यूनाइटेड नेशंस में जाने का जब निर्णय लिया गया, जो काबीना में निर्णय लिया गया कि सरदार साहब की, नेहरू जी ने कहा कि वो ऑल इंडिया रेडियो पे इस चीज को अनाउंस करेंगे। ये 28 अक्टूबर शाम को 8:30 बजे ये ब्रॉडकास्ट होना था नेहरू जी का। सरदार यूज्ड टू इंसिस्ट ऑन सीइंग द टेक्स्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ब्रॉडकास्ट्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये सुन लीजिए उनके बीच में आपस की दूरी, कि सरदार साहब हमेशा जो भी इंपॉर्टेंट ब्रॉडकास्ट होता था चाहे प्रधानमंत्री का भी हो वो हर चीज देखते थे। तो ये कह देना कि कोई कहीं कुछ कह देता था ये बिल्कुल गलत है। ये उनके बी शंकर जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं वो अपनी किताब में लिख रहे हैं, दिस वाज शेड्यूल्ड एट 8:30, पंडित नेहरू हैड ए वेरी बिजी डे एंड कुड नॉट सेंड द टेक्स्ट बिफोर 8:15। उनका बहुत पंडित जी जो है 8:15 तक ही अपना ड्राफ्ट वो भेज पाए, तो वो भी मतलब अपने मन से नहीं, ड्राफ्ट उन्होंने भेजा। सरदार साहब ने उसको पढ़ा और उसकी एक एम्बेरसमेंट कमिटमेंट, उसकी एक कमिटमेंट पर सरदार साहब बहुत नाराज हुए। ही ट्राइड टू कॉन्टैक्ट पंडित नेहरू, पंडित नेहरू को उन्होंने कोशिश की बात करने की, पर वो ब्रॉडकास्टिंग हाउस के लिए निकल गए थे। सरदार देन कमीशन्ड मी, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम फॉरेन ब्रॉडकास्टिंग ऑल इंडिया रेडियो जाओ और पंडित जी से कहो कि एक उसकी लाइन मिटा दे। वो लाइन थी अंडर यूएन ऑस्पिसीज, मतलब नेहरू जी पंडित जी ने यह कहा कि आप यूनाइटेड नेशंस को रेफर कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लेबिसिट की मतलब पब्लिक वोटिंग की बात कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एक लाइन हम लोगों ने जोड़ी थी प्लेबिसिट अंडर यूनियन अंडर यूएन ऑस्पिसेस, मतलब जो हम वहां लोगों का जनमत लेंगे उस जनमत को, जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन होता है उस जनमत का इलेक्शन इलेक्शन कमीशन होगा यूनाइटेड नेशंस। तो केवल सरदार साहब ने यही कहा कि वही दो शब्द है जो मेरे हिसाब से आपत्तिजनक है, मतलब उनको यूनाइटेड नेशंस में जाने की आपत्ति नहीं थी, उनको प्लेबिसिट से कोई आपत्ति नहीं थी, उनको किसी और से कोई आपत्ति नहीं। ये जरूर एक वो विषय है जिसमें उनमें आपस में मतभेद था। फिर मतभेद हुए क्या, अगस्त में सितंबर में कई चीजों पर पंडित नेहरू और जवाहरलाल नेहरू भिड़े एक दूसरे से, नाराजगियां भी हुई कुछ कुछ चीजों पर, जैसे बीपी मेनन और शिवशंकर कहते हैं कि टेम्परमेंट में भी बातचीत हुई। एक बार क्या हुआ कि पंजाब सरकार में किसी विषय पर नेहरू जी ने एक पत्र मंगवा लिया किसी चीज पर पोजीशन पता की, तो उस पर बहुत नाराज हुए सरदार पटेल, और सरदार पटेल ने कहा मेरे होते हुए क्यों आपने ये पत्र मंगवाया। एक बार क्या हुआ, अजमेर में दंगे हुए, तो जब अजमेर में दंगे हुए तो प्रधानमंत्री ने कहा सरदार साहब से कि मैं जाना चाहता हूं अजमेर, तो उनका कि आप जाइए, नेहरू जी की तबीयत खराब हो गई,
नेहरू जी की तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने अपना सेक्रेटरी जो है उसको भेजा अजमेर। तो उस पर स्वाभाविक है कि सरदार पटेल नाराज हुए कि कोई मंत्री जाता, आपने मेरे काम के ऊपर निगरानी रखने के लिए एक सेक्रेटरी को कैसे भेज दिया। ऐसे करके कई चीजों पर दोनों में आपस में बहुत मतभेद हुए। यहां तक मतभेद हुए कि 6 जनवरी को नेहरू जी ने गांधी जी को एक इस्तीफा भेजा और कहा कि मैं अब काम नहीं कर सकता हूं, आप मुझे रिलीव करिए और जिसको भी आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं बनाइए। उसी तरीके से 13 जनवरी को सरदार साहब ने भी एक इस्तीफा भेजा गांधी जी को कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, मैं सरकार में नहीं रहना चाहता हूं। लेकिन इसमें आप आश्चर्य की बात देखिए, बार बार इनके बीच में जब भी मतभेद होते थे, और ये 16 या 17 ऐसे पत्र हैं सरदार साहब ने लिखे गांधी जी को और नेहरू जी ने लिखे गांधी जी को, सब में नीचे सीसी है। गांधी जी को लिखा कॉपी टू सरदार साहब, गांधी जी को लिखा कॉपी टू नेहरू, मतलब कोई टेबल के नीचे की लड़ाई नहीं चल रही थी, दूसरे को बता रहे थे। और अगर आप उन पत्रों को पढ़ेंगे तो उन पत्रों में जो एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाते हैं वो इस बात को नहीं झलकाता कि इनके आपस में कटुता थी। फिर क्या होता है, उस कटुता को लेकर सरदार साहब को गांधी जी बुलाते हैं करीबन 16 या 17 जनवरी को और कहते हैं कि हम लोग आपस में बात करेंगे। सरदार साहब को कहीं विजिट करने जाना होता है तो पंडित जी एक उनको पत्र भेजते हैं और पंडित जी कहते हैं कि आप वहां से आ जाइए, उसके बाद हम लोग गांधी जी के साथ मिलेंगे। 30 जनवरी को एक तारीख तय होती है, 30 जनवरी को सरदार पटेल मिलने जाते हैं गांधी जी को और उसके बाद गांधी जी की हत्या हो जाती है। ये जब कथा चलती है तो 2 फरवरी को डिबेट होती है पार्लियामेंट में और उस डिबेट में बहुत से मेंबरान उठकर सरदार साहब के खिलाफ बोलते हैं कि गांधी जी को मरने कैसे दिया। उसमें सरदार साहब पहली बार नेहरू जी को कहते हैं माई लीडर और कहते हैं कि माई लीडर ने जो कहा है वो ही बात है। तब क्या होता है कि एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे जो बाद में कांग्रेस छोड़ गए, उन सबका आपने नाम सुना होगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बहुत सामान्य जिंदगी जीते थे, गांधीवादी थे। तो दिल्ली में यॉर्क रोड एक जगह है जहां प्रधानमंत्री रहा करते थे, तो वो प्रधानमंत्री के निवास पर रह रहे थे, नेहरू जी के बहुत अभिन्न मित्र थे। जयप्रकाश नारायण ने एक फरवरी या दो फरवरी को ये बात डिमांड की कि गांधी जी की हत्या का पूरा इल्जाम सरदार पटेल पर लगता है, इसलिए सरदार पटेल को इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, 3 फरवरी की सवेरे स्टेट्समैन करके एक अखबार है और उस समय मोदी मीडिया नहीं होता था, तो स्टेट्समैन जैसे अखबार में सरदार पटेल जैसे बड़े नेता के बारे में लिखा कि संवैधानिक रूप से हमारा गृहमंत्री फेल कर गया है, इसलिए गृहमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वी शंकर अपनी किताब में लिखते हैं और उसकी प्रारूप भी मेरे पास है, क्योंकि टाइम लगेगा दोनों को पढ़ने का तो मैं पूरी तरह से पढ़ूंगा नहीं, लेकिन उसके भाव को लिखता हूं। कभी मैं 10:15 बजे वो हाथ से अपना इस्तीफा लिखते हैं और कहते हैं कि मैं जो ये मेरे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं ये सही हैं, ये भार मैं नहीं ले सकता हूं, मैं सरकार से इस्तीफा दूंगा। और उसमें ये नेहरू जी को लिखते हैं कि जो मैंने पहले से आपको इस्तीफा भेज रखा है, अब मेरा ये दुख जो है उसको रिलीव करिए, मुझे सरकार से जाने दीजिए। मनी बहन जो सरकार सरदार साहब की बेटी थी वो दौड़कर वी शंकर को बुलाती है कि पापू कहती थी शायद पटेल साहब को, कहती पापू ने ये पत्र लिखा है। वी शंकर जब उसको देखते हैं तो वी शंकर को लगता है कि ज्यादा भाव में आकर उन्होंने लिखा। वी शंकर अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे लगा कि ये नेहरू जी को मौका मिल जाएगा, क्योंकि वी शंकर को ये संदेह था कि जयप्रकाश नारायण क्योंकि पंडित नेहरू के घर में रह रहे हैं, इसलिए हो सकता है उनके प्रभाव के कारण उन्होंने ये बात कही। और मजे की बात यह है कि ये बात होती है, वो इस पत्र को टाइप नहीं करते, रोक लेते हैं। सरदार साहब कहीं 10:30-11 बजे जाने की तैयारी करते हैं, तभी 10:45-11 बजे एक पत्र आता है नेहरू जी से सरदार साहब को, केवल 10:45-11 की बात है, लंबा चौड़ा पत्र है। और वो पत्र लिखता है कि सरदार साहब मैं 2 दिन से आपसे बात नहीं कर पाया, गांधी जी की मृत्यु के बाद आप ही एक मेरा सहारा हो, इस देश को आपकी और मेरी आवश्यकता है, हमारे बीच में अंतर रहे, हमारे बीच में झगड़े भी हुए, लेकिन इन झगड़ों ने उससे ज्यादा इन उन बातों को दिखाया कि आपके मेरे बीच में एका कितनी है, कितनी चीजों में हम एक दूसरे से सहमत रहते थे, इस समय देश की आपको आवश्यकता है। ये वो भावना थी इन दोनों के बीच में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिना पंडित जी के
कुछ भी जाने कि सरदार साहब ने इस्तीफा दिया है, 11 बजे उनको ये चिट्ठी आ जाती है। और जब ये चिट्ठी आती है तो उसके बाद एक लंबा चौड़ा पत्र जो है सरदार साहब लिखते हैं नेहरू जी को कि यह है, हमको आपको मिलकर इस देश को आगे चलाना पड़ेगा, बापू की मृत्यु के बाद और कोई नहीं है, हम लोगों का 40 साल का साथ रहा है, इस देश को बागडोर को आगे बढ़ाने में हमको मदद करनी पड़ेगी। और उसके बाद इनके थे मतभेद, थे नीतियों पे थे, कभी जैसे हैदराबाद में क्या था इन दोनों के बीच में मतभेद, तारीख का था, समय का था। सरदार साहब चाहते थे कि हम फौजों को जल्दी भेजें, नेहरू जी चाहते थे कि डिले करके आप फौजों को भेजें। अगर आप पूरी इतिहास पढ़ेंगे हैदराबाद का, तो इनकी कैबिनेट में जब बात होती थी तो सरदार साहब कहते थे कि सितंबर में कर लो, नेहरू जी कहते थे नहीं, उसको थोड़ा डिले कर दो, उसको आगे कर लो, क्योंकि इनको ये चिंता थी कि कश्मीर में हमारी फौजें लगी हुई हैं। उस समय कश्मीर में खूब लड़ाई चल रही थी और शुरू शुरू में पाकिस्तान के जो कवालिये थे वो काफ़ी बढ़ के आगे तक आ गए थे। सितंबर अक्टूबर के बाद फिर हमने उनको पछाड़ना शुरू किया था और फिर बहुत से इलाके जो कश्मीर के पाकिस्तान ने ले लिए थे वो फिर हमने सब तमाम धीरे धीरे करके वापस अपने साथ भेजे थे। एक चीज याद रखिएगा, जब भारत का बंटवारा हुआ था तो हमारे पास करीबन 75% आबादी थी, लेकिन 40% फौज पाकिस्तान की थी, तो फौज में हम लोग पाकिस्तान से बराबरी के नहीं थे। भाई उस समय तो फौजें बनती थी और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से, पंजाब से, इस इलाकों से ज्यादा फौजें ली जाती थी, तो करीबन फौज में उनके पास करीबन 40% के करीब फौज गई थी। जब 40% के करीब फौज गई थी तो असला भी गया, बारूद भी गया, टैंक भी गए। और याद रखिएगा, आप अगर भारत का पुराना भौगोलिक नक्शा देखें, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक था तो हमारा दुश्मन उस समय कौन था? चीन तो था नहीं, चीन तो उस समय इंपीरियल देश था, उसमें कोई दम नहीं था। इस तरह बर्मा था, बर्मा से हमें कोई चिंता नहीं थी, बाकी थाईलैंड आइलैंड से हमारे को कोई चिंता नहीं थी। हमारे सबसे बड़े डर और दुश्मन होते थे अफगानिस्तान और उधर के राज्य, तो ज्यादा हमारा असला बारूद जो था वो हमारे वेस्टर्न फ्रंटियर में रहता था, जो पाकिस्तान का फ्रंटियर था। और ये तय हुआ था कि धर्म के हिसाब से फौजें तो बढ़ जाएंगी लेकिन असला बारूद जहां है वहां की स्थिति में रहेगा। तो हमारी फौज जब निकल कर आती है तो पाकिस्तान को एक तरीके से हमसे जरूरत से ज्यादा उनको हम लोगों से असला और बारूद मिले थे, तो समय एक हिसाब से फौज भी हमारी कमजोर थी। फिर नेहरू जी का और पटेल का ये सिलसिला चलता है, बहुत सी चीजों में एक दूसरे को डिफेंड करते हैं। कई जगहों पे नेहरू जी को बार बार सरदार पटेल अपना लीडर कहते हैं, नेहरू जी के उनके बीच में संबंध बनते हैं और शायद ही कोई विषय उसके बाद निकल कर आता है जिसके इन दोनों के बीच में मतभेद होगा। तो अगर आप इनका 60-70 साल का एक साथ काम करने का अनुभव लेंगे तो शायद 2 या 3 ऐसे नीतिगत विषय हैं जिसमें इनमें आपस में दिक्कत आती है। एक तो जैसे मैंने कहा, क्या राज्य परिषद के इलाकों में कांग्रेस को हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं? दूसरा, क्या समाजवादी विचारधारा प्रबल होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि सरदार साहब हमेशा कहते थे कि ये कम्युनिस्टों में कुछ नहीं रखा। उनका एक बड़ा मजेदार वाक्य था कि हिंदुस्तान में अगर 85 ब्राह्मण हैं तो 85 ओपिनियन है, और अगर 85 समाजवादी हैं तो 85 राय है उनकी। ये लोग आपस में एक दूसरे से राय नहीं बना सकती, ये देश क्या चलाएंगे? तो उनको लगता था कि पंडित नेहरू जो है एक समाजवादी दिशा में देश को ले जाएंगे जिसके खिलाफ होते, लेकिन ये नीतिगत थे, नीतियों के हिसाब से थे, आइडियोलॉजी के हिसाब से थे, व्यक्तिगत नहीं थे। और जहां तक नेहरू जी के, सरदार पटेल के परिवार की बात है, ये आखिरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। 1950 में उनकी मृत्यु होती है, बल्कि 1950 में मृत्यु के पहले जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो बंबई हवाई जहाज से जाते हैं तो पंडित नेहरू उनको जहाज में छोड़ने जाते हैं और वहां मिलते हैं, और उसके बाद जाते हुए 3-4 दिन बाद उनकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, तो नेहरू जी बंबई जाते हैं। उसके बाद जब उनका क्रिमेशन हुआ था वहां भी नेहरू जी जाते हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि उनके क्रिमेशन में नेहरू जी नहीं गए थे। 51 में देश में पहला चुनाव होता है, 51 में या 52 में हुआ था, 52। तो खेड़ा सीट से मणिबेन जो सरदार साहब की बेटी थी उनको सांसद का टिकट मिलता है कांग्रेस, और 52 में मणिबेन पहली बार कांग्रेस से सांसद बनती है। 57 में दोबारा चुनाव होता है, तब खेड़ा सीट आनंद सीट बन जाती है, दोबारा से आनंद की सीट से मणिबेन जीत कर आती है। 62 के बाद, उसके बाद 62 का चुनाव होता है, 62 के पहले महागुजरात का मूवमेंट होता है, गुजरात चाहता है कि महाराष्ट्र से अपने आप को अलग कर ले, क्योंकि महाराष्ट्र के बहुत से नेता प्रबल थे कांग्रेस में, कांग्रेस ऐसी दिखती है कि वो ज्यादा नहीं चाहती है। तो 1962 में जब चुनाव होता है फिर मणिबेन को टिकट मिलता है, लेकिन फिर मणिबेन को कांग्रेस ने नहीं हराया था, गुजरात के लोगों ने हराया,
और 27,000 से वो अपनी सीट हार जाते हैं। तो ये भी बात कह रहे हैं कि उनके परिवार को सम्मान नहीं मिला था, ये बात भी अपने में कभी स्पष्ट नहीं होती है। मानेगा इस समय इंदिरा जी कभी सांसद नहीं बनी, इंदिरा जी नेहरू जी की मृत्यु के बाद ही सांसद बनी, उसके पहले कभी सांसद नहीं बनी। 62 में जब मणिबेन चुनाव हारती हैं तो 64 में कांग्रेस उनको राज्यसभा की सीट दे। आजकल बहुत से कांग्रेसी यहां बैठे हैं, अगर कोई आदमी लोकसभा की सीट हार जाए तो आपको लगता है कि उसको राज्यसभा मिलनी चाहिए? मणिबेन की बात छोड़ दीजिए, वैसे बताइए ना, हाँ या ना। लेकिन मणिबेन को सम्मान से 64 में राज्यसभा की सीट मिलती है, 70 में वो रिटायर करती है। उसके बाद आपको पता होगा 59 में कांग्रेस का स्प्लिट होता है, कांग्रेस पुरानी और कांग्रेस नई में। मणिबेन इंदिरा जी की दूसरी जो कांग्रेस थी उसमें जाती है। 73 में वो साबरकंठा से बाई इलेक्शन लड़ती है, बाई इलेक्शन जीत के आती है और फिर शायद 82 और 84 में उनकी मृत्यु होती है। उनके बेटे थे दया भाई, दया भाई की कांग्रेस से कभी पटी नहीं। तो जब 54 में राजा जी ने स्वतंत्र पार्टी बनाई तो दया भाई स्वतंत्र पार्टी में चले जाते, और अगर आप दूसरी पार्टी में चले जाते तो फिर कम से कम भाई हम तो उसका कुछ खास नहीं कर सकते। माफ करिए मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया, मैं नहीं चाह रहा था कि इतना समय लूं, लेकिन मूलतः ये वो मुख्य बातें थी जो उन दोनों के संबंध की थी। और इस पर अगर कोई सवाल आपके बने तो कृपया जरूर पूछिए। वैसे 2 घंटे की क्लास ज्यादा नहीं हो जाती, थोड़ी लंबी हो गई। किसी के कोई सवाल है तो हाथ खड़े कर सकते हैं। कश्मीर का जो इशू है वो जवाहरलाल जी यूनो में लेके गए, और इसी वजह से आज भी पाक व्याप्त जो कश्मीर है वो अभी भी है उनके पास। ऐसे तर्क हमें भाजपा के लोग देते हैं, अगर यूनो में जवाहरलाल जी नहीं जाते थे तो फिर शायद हमारे पास पूरा कश्मीर रहता था, इस तरह का ये होता है। तो सरदार जी और जवाहरलाल जी के बीच में कभी ये यूनो के बारे में कुछ अपन जो गए थे पंतप्रधान जी, तो उसमें कुछ चर्चा हुई थी, वाद विवाद हुआ था या कुछ ऐसा था जो हम उन लोगों को बता सके कि क्यों गए थे? ये तो मुझे समझ में आया कि 40% जब अपनी सेना वहां पे थी और सब कुछ वहां पे था तो पाकिस्तान से लड़ाई की नहीं जा सकती थी, इसलिए जवाहरलाल जी यूनो गए, ऐसा मैंने पढ़ा है। पर ये तर्क का हमें आंसर चाहिए। देखिए पहली चीज तो हम यूएन इसलिए नहीं गए क्योंकि हुआ क्या था कि जब कबालिये घुसे, देखिए कश्मीर के दो हिस्से, एक आपने देखा होगा कश्मीर में ऊपर ही चोंच बनी हुई है, कश्मीर का ऊपर का हिस्सा ना गिलगित और हुंजा चोंच बनी हुई है, ठीक है। वहां क्या हुआ था, वो जो लद्दाख के उत्तर का हिस्सा है इसको अंग्रेजों ने लद्दाख स्काउट्स के अंदर ऑर्गेनाइज किया था। वो एक हिस्सा ऐसा था इसमें कोई भी सम्मान नहीं था, संचार नहीं था, सड़कें नहीं थी और बिल्कुल वीरान इलाका था। वहां अंग्रेजों ने उस इलाके को जम्मू कश्मीर के महाराजा से अपने आधिपत्य में ले लिया था और वहां उसकी हुकूमत चलती थी। उन्होंने वहां उसकी रक्षा के लिए एक लद्दाख स्काउट्स एक ब्रिगेड बनाई थी और उसका एक जनरल एक मेजर स्मिथ करके एक अंग्रेजी कमांडर था। 15 और 16 अगस्त की रात को मेजर स्मिथ ने अपने आप से पूरा का पूरा गिलगित और हुंजा के इलाके का विलय कर दिया पाकिस्तान से, और हिंदुस्तान को करीबन 1 से 2 महीने बाद पता चला, और उसके बाद वो पूरा का पूरा इलाका पाकिस्तान में चला गया। तो आज भी ना हम उसकी बात करते हैं ना बीजेपी उसकी बात करती है, ये कश्मीर घाटी की बात करते हैं और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करते हैं। तो वो इलाका तो वैसे गया, जब कबालिये घुसकर आए हमारे यहाँ तो ये था कि क्या तो या तो हम युद्ध करते रहें, और हमारे कमांडरों का ये कहना था कि साहब अगर आपको पाकिस्तान पर पूरी तरीके से युद्ध करना पड़ेगा तो फिर पंजाब में आपको वॉर छेड़नी पड़ेगी। हमारे नेहरू जी का ये सोचना था, उसमें सरदार साहब का ज्यादा रोल नहीं था कि भाई यहाँ तो पंजाब में अभी पार्टीशन हुआ है, अभी राइट्स हुई हैं, फौज हमारी ऑलरेडी इधर से उधर जा रही है, क्या हम सही में ये रिस्क ले सकते हैं कि नहीं, कितनी बड़ी त्रासदी होगी, ठीक है। ऐसे भी कैबिनेट के अंदर में बात ही चल रही थी, बल्कि एक बार दो या बार मीटिंग्स में भी खुद सरदार साहब ने कहा कि जो पूंछ का इलाका है और इधर का जो इलाका अभी भी पाकिस्तान के साइड है वो हम पाकिस्तान को दे देते हैं, बाकी में हम एग्रीमेंट कर लेंगे। सरदार साहब ने तो कई बार ये बात को कहा।
यूएन में हम इसलिए गए थे क्योंकि हम चाहते थे कि ये लड़ाई इलोंगेट ना हो। यूएन में क्या है, दो रेजोल्यूशन है, एक यूएन रेजोल्यूशन लॉ 6 है और एक 7 है। 6 क्या है, उस समय देखिए यूएन ताकतवर था, हमारे जैसा आज का यूएन नहीं था कि कमजोर है कि यूएन कोई कहे तो उसकी बात ना माने। उस समय यूनाइटेड नेशंस जो था अमेरिका का, रूस का, इनका पिट्ठू था। हम लोग तो बहुत कमजोर देश थे, हम लोग दुनिया की 1% जीडीपी भी नहीं थे, गरीबी थी, भुखमरी थी, फौज भी अपनी नहीं थी, नया नया देश का बंटवारा हुआ था। तो एक तो जब हम तब के हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हम आज के हिंदुस्तान की बात ना करें। तो उस हिंदुस्तान में ये हुआ था कि भाई दो ये जो लॉज है, लॉज 6 और 7, आर्टिकल 6 वो है कि जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन अगर कोई हुक्म देता है तो वो उसके मेंबर देशों पर बाध्य है। 7 वो है जिसमें वो रिकमेंडेटरी है, एडवाइजरी है। तो लॉर्ड माउंटबेटन बार बार ये कह रहे थे कि आप यूएन में जाइए नहीं तो अंतरराष्ट्रीय ताकतें जो है इसमें हस्तक्षेप करेंगी। ठीक है, बल्कि सरदार साहब का एक पत्र है लॉर्ड माउंटबेटन को 1948 का, जिसमें वो लिखते हैं कि इन हाइंडसाइट आई एग्री टू व्हाट यू हैड सेड। वो पत्र भी आप चाहें तो हम आपको दे सकते। देखिए उस समय के नेताओं में बहुत बड़ा बड़प्पन ये था कि वो अपनी गलतियां भी मानते थे। जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिस कैबिनेट में यूएन जाने का रेजोल्यूशन लिया गया कैबिनेट में, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कैबिनेट से यूएन की बात पर नहीं इस्तीफा दिया था, उन्होंने लियाकत अली पैक्ट पर दिया था बाद में 1 या 2 साल बाद। अब वो बेसिकली इसलिए दिया था क्योंकि चुनाव आ रहे थे, उनको अपनी पार्टी बनानी थी, कांग्रेस उनको टिकट देती नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 51 या 52 में कश्मीर पर एक चर्चा होती है, ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स में है, आप इसको पढ़ सकते हैं, एसपी मुखर्जी करके टाइप करिएगा आपको मिल जाएगा। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कोई मेंबर पूछता है कि भाई यूएन रेजोल्यूशन में तो आपने वोट दिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ध्यान रखिए क्या वो बोलते हैं, यस आई वॉज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, देर वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस अंडर विच द कैबिनेट टुक दिस डिसीजन, आई स्टैंड बाई इट। तो उस समय के चाहे बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के हो, वो दिलेर नेता थे, आज तक के लिए नहीं कि सवेरे कुछ बोला शाम को कुछ बोल दिया। तो पहली चीज तो ये डिसीजन था। दूसरा ये था कि इसके पहले कि विदेशी सरकारें आर्टिकल 6 के अंदर हमें कोई हुक्म दें, हम इसको रेफर ही कर दें आर्टिकल 7। बात ये थी, सरदार पटेल का ये कहना था कि हमको इसमें प्लेंटिफ नहीं होना चाहिए, इसमें डिफेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं ले जाते तो पाकिस्तान ले जाता, इसमें तो कोई दो राय नहीं, हम नहीं ले जाते तो देखिए यूएन में मसला, आप नहीं ले जाते तो क्या पाकिस्तान नहीं ले जा सकता था। पहली चीज तो बीजेपी वालों से यही पूछ लो भाई, भाई मैं आपकी जमीन हथिया ली या मैं कोर्ट जाऊंगा या आप कोर्ट जाओगे, आपको इतना बड़ा बेवकूफ तो है नहीं पाकिस्तान कि वो नहीं चला जाएगा। तो हमारा ये कहना था कि एक हम इसको आर्टिकल 7 में रेफर करें जिसमें जो भी यूएन डिसीजन आएगा वो हम पर बाध्य नहीं होगा। ठीक है, दूसरा हमारा ये था कि अगर हम एज प्लेंटिव जाते हैं, जो भी लॉयर होंगे प्लेंटिव वर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, जो अपील करता है, तो जो उसकी शब्दावली होगी जिस पर चर्चा होगी वो होगी जो हमने तय की है। भाई अगर आप कोर्ट में कोई चीज लेकर जाते हैं तो आपकी भाषा पर चर्चा होती है और यूएन में कोई लॉ के हिसाब से नहीं, तो हम लोग इसलिए यूएन में किस्सा को लेकर गए। फिर ये लोग कहते हैं कि यूएन में जाने के बाद नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ भाई, क्या हमारे आधिपत्य में जो इलाका आया हमने उसमें 1 भी इंच जमीन दी, नहीं दी। उन पर आप आज भी हमला कर सकते हैं, तब भी हमला कर सकते थे, हम लोगों ने इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि अगर आप, मैं आपसे कहूंगा कि एक राघवन है मिलिट्री के कर्नल, उनकी किताब है, जितनी भी और 3 या 4 किताबें हैं जो फौजी किताबें हैं कश्मीर पर, उसको आप पढ़िएगा, पूरे 16-17 महीने गुत्थम गुत्था चलती रही, 2 किलोमीटर वो आगे, 2 किलोमीटर हम आगे, 2 किलोमीटर कभी उरी पहुंचे, फिर हमने उनको पठानकोट से भगाया, फिर वो कहीं और के पास आ गए, फिर वो श्रीनगर के पास आ गए, फिर वो कहीं चले गए, ये गुत्थम गुत्था चल रही थी 15-16 महीने से। और एक और चीज आप लोग याद रखिएगा जो चीज बहुत कम लोग जानते हैं, हमारे यहां देखिए 1942 या 1924 में भारतीयों को ऑफिसर कार्डर में जाना अलाउ हुआ था। ठीक है, उसके पहले हम लोग ऑफिसर कार्डर में नहीं जाते थे। तो 1947 तक चाहे पाकिस्तानी जनरल हो चाहे हिंदुस्तान हो, लीडरशिप कैटेगरी में बहुत कम इंडियंस थे। ओके, और जनरल्स की कैटेगरी में तो 1 या 2 ही थे, शायद जनरल करियप्पा थे और 1-2 और थे, बाकी थे ही नहीं, सब तो अंग्रेज थे। तो पाकिस्तानी सेना के भी कमांडर्स अंग्रेज थे, हिंदुस्तानी सेना के भी कमांडर्स अंग्रेज थे।
क्योंकि थे ही नहीं ना, और कहां से लाओगे भाई, एकदम थोड़ी आप सब कुछ बदल दोगे। उस समय बंटवारा भी चल रहा था फौजों का। बल्कि इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब कुछ कुछ सिख जत्थे पाकिस्तान से इंडिया लाए गए पार्टीशन के एक डेढ़ महीने बाद, तो वहां की जाट रेजिमेंट्स और हिंदू रेजिमेंट्स थे पाकिस्तान में जो उस समय स्टेशन थे, जो उनको यहां ला रहे थे। तो उसमें यह हुआ था कि अंग्रेजी जनरल्स ने यह कहा कि साहब हमने तो बर्तानिया की महारानी की शपथ खाई है, तो हम एक दूसरे के खिलाफ गोली कैसे चला सकते हैं? भाई तुम लड़ रहे हो, तुम लड़ो ना। ब्रिटिश जनरल थोड़ी एक दूसरे में गोली चलाएंगे, उनके जनरल भी थे हमारे जनरल। आप स्थिति तो देखो ना उस समय की, बड़ा आसान है आपको कहना भाई आपकी फौज में नीचे तो लोग लड़ सकते हैं, उनका भी पूरा बंटवारा नहीं हुआ था। फिर आप चेन ऑफ कमांड के, फौज में चेन ऑफ कमांड बहुत जरूरी होती है, ठीक है? वही जनरल आपके चेन ऑफ कमांड में थे, आज वो उधर चले गए थे। आप मनोस्थिति भी तो फौज की समझिए ना। तो इस सब में भारत ने यह सोचा कि इसको एक शांतिपूर्ण तरीके से बंद किया जाए, हमारे लाखों और काम है। आप देखो पाकिस्तान उसके बाद सबसे लड़ता रहा, उसकी क्या हालत है। हम शांति के रास्ते रह रहे, हमारी क्या हालत है। अगर हम भी सबसे लड़ते फिरते ना, तो आज पाकिस्तान की तरह हम भी कहीं जोकर बन के घूम रहे होते। और ये पूछना चाहिए ना बीजेपी से किसी से कि भाई यूएन जाने में नुकसान क्या है। पाकिस्तान से तो आप तभी ले सकते हैं जब आप उन पर युद्ध करें, तो आप लोग कर लो, आपको किसने रोका है? भाई हमारे पास आज तक 56 इंच नहीं था, हमारे पास आज तक रफेल नहीं था, हमारे पास आज तक न्यू इंडिया नहीं था, हमारे पास आज तक नया संकल्प नहीं था, हमारे आज तक धार्मिक सरकार नहीं थी, होने वाला हिंदू राष्ट्र नहीं था। तो तुम घुस जाओ यार जाके, हम निकम्मे थे, ठीक है। So, ये कहने की बात है। बार बार ये पूछा जाता है कि यूएन जाके हिंदुस्तान का नुकसान क्या हुआ। देखिए एक बात हुई, ये हुआ कि शुरू शुरू में वो प्लेबिसिट नहीं चाहते थे, हम लोग चाहते थे कि वहां वोटिंग हो जाए। और हम इस बात से सुप्रीमली कॉन्फिडेंट थे कि क्योंकि शेख अब्दुल्ला हमारी साइड है, शेख अब्दुल्ला के अंदर में अगर वोटिंग होती है तो कश्मीर घाटी के मुसलमान भी हिंदुस्तान के लिए वोट करेंगे। इसका मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जूनागढ़ में हमारी फौजें जाती हैं, जूनागढ़ में 80% हिंदू थे और 20% के करीब मुसलमान थे, ठीक है। जब हम जूनागढ़ को टेक ओवर करते हैं, तो टेक ओवर करने के बाद जूनागढ़ में भी प्लेबिसिट होता है, मतलब वहां भी वोटिंग होती है, ठीक है। वहां तो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन नहीं हुआ, कितने परसेंट थे मुस्लिम वहां? 20%। वहां 2 लाख के करीब वोट पड़ते हैं, तो मुसलमान 18-20 हजार होने चाहिए, केवल 91 वोट पड़ते हैं पाकिस्तान के लिए। तो 99% मुस्लिम जूनागढ़ के भी हिंदुस्तान के लिए वोट किया था उन्होंने। पहली चीज तो यह समझ ली कि मुसलमान सब पाकिस्तान चाहते थे, ये बिल्कुल गलत है, तो जूनागढ़ में आपको वोट नहीं पड़ता। जूनागढ़ ये एक ऐसी जगह है जहां मुस्लिम और हिंदू बहाली के बीच में वोटिंग नहीं थी। ये था कि हम चाहते थे प्लेबिसिट, इसीलिए जिन्ना ने प्लेबिसिट मना किया। तो हमने क्या किया, हम गए यूएन के पास, यूएन ने यह रेजोल्यूशन दिया। हमने जो रेजोल्यूशन ये रखा था कि प्लेबिसिट तो हम करा सकते हैं, लेकिन प्लेबिसिट हम तब कराएंगे जब पाकिस्तान के हिस्से के में पाकिस्तान की फौज पीछे हटेगा। वो हमारा रेजोल्यूशन था, वो माना यूएन ने। यूएन ने कहा कि वोटिंग तभी होगी जब फौजें जो हैं अपने अपने फ्रंटियर से वापस आएंगी। और उसमें हमने एक बहुत अच्छा अड़ंगा लगाया था। हमारा अड़ंगा ये था कि उनकी फौजें इलीगल हैं, क्योंकि उन्होंने वो घुसे हैं कश्मीर में, कश्मीर ने विधिवत रूप से हमसे हमको एक्सीड किया है, तो हमारी आर्मी वहां लीगली है, उनकी आर्मी वहां इलीगली है। इसलिए कभी भी उसके बाद यूएन ने जबरदस्ती वहां वोटिंग नहीं करे। और उसके बाद हमारा ये बार बार कहना था कि 52 में चुनाव हुआ संविधान के तहत, 52 का चुनाव हुआ, 56 का चुनाव हुआ, 62 का चुनाव हुआ। बार बार जम्मू कश्मीर की जनता ने 50% से ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्ट्रल वोट दिया। बल्कि जब हिंदुस्तान में 40% वोट पड़ता था, तो जम्मू कश्मीर में 50-55% वोट पड़ता था। तो हिंदुस्तान ने हमेशा यह आर्ग्यूमेंट लिया कि वो वोट उन्होंने डाला तो भारत के संविधान के तहत वोट डाला ना, और अगर भारत के संविधान के तहत वोट डाला है तो इसका मतलब है भारत के संविधान में उनकी आस्था है, तो इनडायरेक्टली उन्होंने भारत को एक्सीड किया। जी भैया आपसे बोलो भैया। जेपी और आरएसएस के लोग अक्सर ये नहीं बताते कि फिर इंडिया मूवमेंट के टाइम पे 3 प्रोविंस में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा का अलायंस था, जिसमें बंगाल में प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग के थे, जिन्होंने अलग पाकिस्तान का ठहराव लिया था, और उसमें सोरावती फाइनेंस मिनिस्टर फजलुल हक थे और फाइनेंस मिनिस्टर शाखा प्रसाद मुखर्जी थे।
तो यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भारत सरकार में प्रधानमंत्री नेहरू जी के मंत्रिमंडल में 47 से 50 तक उद्योग मंत्री थे, ये भी आरएसएस और बीजेपी के लोग बताते नहीं। मेरा सवाल यह है कि इन 3 सालों में जितनी कैबिनेट हुई और उसमें जितने ये ऐसे डिस्प्यूट वाले मैटर हुए, तो उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का क्या कैबिनेट में ये था, उन्होंने अपनी क्या बात रखी थी, इसका कोई किताब या कोई जानकारी मिल सके कि किसकी वजह से आरएसएस और बीजेपी वालों को जवाब दे सके कि इनकी भूमिका क्या थी कश्मीर या अलग मामले में। देखिए ऐसा है, एक चिरपरिचित तरीका है कैबिनेट का, जो प्रथा होती है दुनिया में वो ये होती है कि उसमें जिसको अंग्रेजी में कहते हैं चेथम हाउस रूल्स होते हैं, किसी व्यक्ति एक व्यक्ति की बात नहीं कही जाती। कैबिनेट की मिनट्स में हमेशा निर्णय लिखे जाते हैं और ये माना जाता है, ये प्रथा रही है दुनिया में कि कैबिनेट का हर निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है। कैबिनेट में अगर आपको किसी भी विषय पर, खासकर महत्वपूर्ण विषय पर अगर मतभेद है, तो इस्तीफा ही एकमात्र तरीका है। किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर, चाहे हैदराबाद हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे भारत का संविधान हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने याकत अली पैक्ट, जो माइनॉरिटी वाला पैक्ट था, डेली डिक्लेरेशन, उस पर दिया था और उनका उसमें कहना था कि भाई हमें क्यों प्रोटेक्ट करना है, पाकिस्तान में प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। वो क्योंकि कम्युनल राजनीति का हिस्सा था और कम्युनल राजनीति से ही उनको वोट मिल रहा था, इसलिए उस मुद्दे पर उन्होंने वोट दिया। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी से पूछा गया था पार्लियामेंट में कि यूएन जाने वाले रेजोल्यूशन में, तो उन्होंने कहा था कि मैं उसका हिस्सा था, उस समय ऐसी विशेष चीजें थी जिस कारण से कैबिनेट ने यह निर्णय लिया और मैं उस निर्णय के साथ खड़ा हूं। उस व्यक्ति ने भी ये बात कही, क्योंकि आप ये बात नहीं कह सकते थे, तो किसी का ये कहना स्वाभाविक है कि 47 से 50 के बीच में जो भी निर्णय लिए गए, अगर इतनी आपको आपत्ति थी तो आप इस्तीफा दे देते ना। इस्तीफा नहीं दिया, इसका मतलब है कैबिनेट में माना जाता है कि हर निर्णय सर्वसम्मति से होता है। भैया आप कुछ अच्छा सर, आपने 370 का जिक्र किया, 370 के लक्ष्य में जो चर्चाएं हुई, शेख अब्दुल्ला जी का क्या रोल था, राजा हरि सिंह जी का क्या रोल था, इन दोनों के कंसेंट लेने का जो जिम्मा था नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के संदर्भ में आपने कहा, तो ये 4 लोगों के डिस्कशन में 370 का जो जिम्मा है वो बीजेपी कहती है कि वो जबरदस्ती थोपा गया भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ, तो उसमें थोड़ा सा संक्षिप्त में आप अगर कहेंगे तो वो देखिए हुआ ये सर। सर दूसरा एक छोटा सा सवाल है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे ज्ञात है। दूसरा एक ऐसा सर कि हैदराबाद निजाम स्टेट वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के एग्रेसिव स्टैंड के कारण इमीडिएट शामिल हुआ भारत में, वरना वो पाकिस्तान के साथ जा सकता था, इस प्रकार की बातें कही जाती है, तो थोड़ी सी आप उस मामले में भी सच्चाई बताएं। थैंक यू। ओके देखिए, कश्मीर 370 क्यों लाया गया, जब महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था तो उन्होंने उसमें विशेष नीचे लिखवाया, कभी आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की कॉपी देखिए, कि इन 3 मुद्दों के अलावा जो अलग उन्होंने लिखवाया, बाकी कोई मुद्दा हम पर आएगा नहीं, महाराजा हरि सिंह ने पहले से प्रॉमिस किया। तो क्या हुआ था कि हम लोग उस समय क्या कह रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि प्लेबिसिट होना चाहिए, क्योंकि हुआ क्या था कि जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन प्लान में ये कहा गया था कि राजा जहां चाहते चले जाएं, लेकिन अगर कहीं राजा एक धर्म का है और प्रजा सामान्यता दूसरे धर्म की है, वहां प्लेबिसिट का इस्तेमाल होना चाहिए। और पहली चीज, प्लेबिसिट सबसे पहले कश्मीर में नहीं इस्तेमाल हुआ, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर और सिलहेट में इस्तेमाल किया गया था। हुआ क्या था, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में कांग्रेस की सरकार थी, फ्रंटियर गांधी, तो सरकार वहां चाहती थी कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर का हिंदुस्तान में विलय हो, तो क्योंकि वहां की चुनी हुई सरकार चाहती थी, इसलिए नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में प्लेबिसिट किया गया और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ने पाकिस्तान में जाने का वोट किया। दूसरा क्या हुआ कि जब ईस्ट पाकिस्तान बन रहा था, जो आज बांग्लादेश है, तो उसमें आसाम का सिलहेट जिला जो है उसमें एक इलाका था जो हिंदुस्तान में आना था, जो मुस्लिम बाहुल्य था, तो इंडिया में आए या पाकिस्तान में आए, इस चीज पर चर्चा चल रही थी। तो सिलहेट में भी वोटिंग हुई और सिलहेट 99% मुस्लिम है, उसने बांग्लादेश को जाने का वोट किया। तो इन दोनों जगहों पे हिंदुस्तान ने प्लेबिसिट का प्रिंसिपल मान लिया था। फिर हमने जूनागढ़ में भी वोटिंग कराई, तो अगर कश्मीर में हम वोट कराते तो स्वाभाविक है कि जम्मू में हिंदू थे ज्यादातर, वो हमें वोट करते,
लद्दाख में बुद्धिस्ट थे वो हमें वोट करते, लेकिन वहां मेजोरिटी पॉपुलेशन 70% मुस्लिम थी जो घाटी में थी। घाटी का एकमात्र नेता कौन था? शेख अब्दुल्ला। अगर शेख अब्दुल्ला हमारे खिलाफ चले जाते तो हम घाटी हार जाते। तो अगर आपको चुनाव जीतना है, मेरे पास सबसे ज्यादा वोट है, तो मेरे सामने सड़क बनाओगे कि नहीं? सामान्य राजनीति देखो ना, हमें शेख अब्दुल्ला को अपने साथ रखना था। शेख अब्दुल्ला का केवल यह मानना था, शेख अब्दुल्ला का मानने का कारण यह था कि भाई कुछ हमको स्पेशल स्टेटस दिया जाए, वो भी टेम्परेरी। ये बात सही है जब बीजेपी कहती है कि टेम्परेरी है, ठीक है, और टेम्परेरी क्या था क्या नहीं था उसके बारे में मैं आपके सामने पूरा चिट्ठा भी बता देता हूं। हुआ क्या था, देखिए पूरा झगड़ा कश्मीर में जो चल रहा था वो हिंदुस्तान के झगड़े के एक तरीके से साथ था। जब 1800 में महाराजा रंजीत सिंह हारे, तो महाराजा रंजीत सिंह ये जो डोगरा लोग हैं इनके जो पूर्वज थे वो महाराजा रंजीत सिंह के सिपहसालार थे, उनके सेनापति। महाराजा रंजीत सिंह की जब मृत्यु होती है तो अंग्रेज कोशिश करते हैं पंजाब पर कब्जा करने की। तो डोगरा जो हैं, जो सेनापति थे, वो अपनी सेना नहीं भेजते, वो दगा देते हैं, ठीक है। ये भी एक जयचंद हैं जिसकी बड़ी तारीफ है, जो करते हैं, ठीक है, वो फौज नहीं भेजते हैं, और वो अंग्रेजों से एक एग्रीमेंट करते हैं कि आप हमें पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर राज्य दे दीजिए, हम आपको पंजाब दे देंगे। तो पंजाब जो है, कश्मीर जो है, एग्रीमेंट के अंदर डोगरा के राज में आता है। इसलिए गांधी जी और बाकी लोग हमेशा उसको सेल एग्रीमेंट कहते हैं, वो पैसे से खरीदा गया राज्य। ये तो डोगराज का बैकग्राउंड है। डोगरा जब वहां गए तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जमींदारी स्थापित की, और अपनी जमींदारी में उन्होंने ज्यादातर वहां 95% से 90% डोगराओं को ही वहां जमींदार बनाया। तो वहां जो लेबर में और लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा था वो था डोगराज में और घाटी के लोगों में, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम भी था। शेख अब्दुल्ला की पार्टी जो खड़ी हुई थी, जो शुरू में जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कही जाती थी, वो इस शोषण के खिलाफ बनी थी। फिर उनको 1930 या 32 में नेहरू जी मिलते हैं। नेहरू जी कहते हैं कि आप ऑल इंडिया पीपल स्टेट कांग्रेस का मेंबर बनिए और आप सेकुलर पार्टी बनाइए। तब शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदल के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रखते हैं, और तब से वो पंडित जी के साथ आए, और वो बहुत पॉपुलर लीडर थे। इसी जो झगड़ा उनकी और हरि सिंह में था वो इस इशू पे था। तो इनका ये कहना था कि भाई अगर फंडामेंटल राइट्स में आप राइट टू प्रॉपर्टी दे देंगे तो हम लैंड रिफॉर्म्स नहीं कर पाएंगे। मानिएगा कि जो जमीन सुधार के कानून बने थे वो सबसे अच्छे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में क्रियान्वित किए गए थे। इसलिए जो गैर बराबरी का इंडेक्स है वो आज भी कश्मीर में सबसे कम है, लोग भले ही आपको कुछ भी आंकड़े दे दें। उनका ये कहना था, इसलिए कुछ ये चीजें धीरे धीरे आएंगी। बाकी चार राज्य थे, त्रावणकोर, सौराष्ट्र, गुजरात और कश्मीर, जिनको अपने अपने संविधान बनाने की भी शक्ति दी गई थी। तो त्रावणकोर ने और एक और राज्य ने 51-52 में जब वहां कांग्रेस की सरकारें आई तो उन्होंने अपना डिसॉल्व करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला लिया। 1965 में जम्मू कश्मीर ने भी अपना संविधान बनाया, और उसके संविधान की सबसे प्रथम लाइनें अगर आप पढ़ेंगे वो ये देंगे कि हम कश्मीर के लोग अपने आप को ये संविधान देते हैं और इस बात को स्पष्ट करते हैं कि हम भारतीय गणराज्य का अभिन्न अंग हैं, और ये वो जम्मू कश्मीर है जो हमारे इससे पहले के राजा का इलाका था 15 अगस्त 1947 का। मतलब हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार ने तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया। तो एक तरीके से हम मानते हैं कि जो प्लेबिसिट की बात थी वो इस असेंबली ने हमको वो अधिकार दिया। तो उस समय जो कैलकुलेशन थे वो ये थे कि अगर असेंबली कल को बनेगी और असेंबली हमारे खिलाफ वोट दे देगी फिर हम क्या करेंगे? शेख अगर प्लेबिसिट होता है और शेख अब्दुल्ला हमारे खिलाफ चला जाएगा, हमको वोट कौन दिलवाएगा घाटी में? भाई कांग्रेस की तो कोई ब्रांचेस थी नहीं, हिंदू महासभा की तो कोई घाटी में ब्रांचेस थी नहीं, हमारे कोई वर्कर नहीं थे, हमारे कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं थे, हमारे कोई दुर्गा वाहिनी नहीं थी, हमारे कोई बजरंग दल नहीं था वहां, और वो कौन सा बजरंग दल को सुनते? तो इसीलिए ये कैलकुलेशन थी कि भाई इस चीज को रख के हमको स्ट्रेटेजिकली अभी इनको अपने साथ रखना है। फिर क्या होता है, जैसे 1952 में देखिए इसमें एक चीज दी गई थी कि भारत संविधान के कुछ ऐसी चीजें जो अप्लाई नहीं करती वो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन से हो जाएंगी। तो 1952 में प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन आता है, 65 में आता है, 61 में आता है, 64 में आता है, 67 में आता है, और धीरे धीरे
जो स्पेशल स्टेटस कश्मीर का है वो पूरी तरह बदल जाता है। तो कश्मीर का कोई स्पेशल स्टेटस रह नहीं गया। एक ही चीज उनके पास स्पेशल स्टेटस थी कि बाहर के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे। और ये हमने क्या होता है कि जब आप किसी एक राज्य को अपने राज्य के अंदर लेते हैं तो दुनिया की प्रथा है कि उसके कानून भी आपके कानून बनते हैं। जब ब्रिटिश इंडिया हमने लिया था तो तमाम बर्तानिया के कानून हमारे कानून बने थे। तो हुआ क्या था कि जब डोगराज अपनी जमीनें इधर उधर से लेने लगे थे तो डोगराज को यह लगा कि ये पंजाबी इंजाबी आके हमारी जमीनें नहीं ले लें। तो जो 35 एक्ट बताते ना कि जमीनें नहीं कही जाती, ये महाराजा कश्मीर ने कही थी कि सिर्फ कश्मीर के लोग ही कश्मीर में जमीन ले पाएंगे। तो वो जब कानून आया तो वो कानून हमने अडॉप्ट किया और उसको हमने स्टैब्लिश किया। और ये केवल वहां के मुसलमानों के हित में नहीं था कि मुसलमान तो सबसे गरीब आदमी था, वहां के पैसे वाले और जमींदार तो डोगरे हिंदू थे। तो जमीन किससे खरीदोगे आप, गरीब से या पैसे वाले से? तो किसका हम लोग संरक्षण कर रहे थे, डोगरों का या मुसलमानों का? भाई कुछ तो तथ्य हमें जानने चाहिए ना। सारा नागपुर मेरा है, ठीक है, खरीदने आप इनके पास पहुंच गए, ये देंगे क्या आपको यार? अगर सरकार कहते तटस्थ है जिसकी जमीन है उसकी रहेगी, तो मैं माई बाप बोलता हूं, ये बेचारे थोड़ी माई बाप बनते। अब वो है कि ये, अब दिक्कत क्या है कि सच को समझाने में टाइम लगता है, झूठ तो बड़ा आसान है। और क्योंकि एक हिंदू मुस्लिम भावना है इसलिए माना जाता है, जबकि 370 के साथ साथ 371 है जो कश्मीर में है, जो हिमाचल में है और जगहों पर है जहां बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते। और आज भी आप ट्राइबल इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, आप दलित की जमीन नहीं खरीद सकते, आप आदिवासी की जमीन नहीं खरीद सकते। क्यों भाई? क्योंकि गरीब को या जो असहाय है उसको संरक्षण दिया जाता है कि एक जमीन ही तो उसके पास है बेचारे के पास, और क्या है वो भी अगर आप उसके ले लोगे। और एक और इसमें पॉइंट था जो इंपॉर्टेंट था, वो पॉइंट पॉलिटिकल है। हमारा ये कहना था क्योंकि देखिए 53-54 के बाद 51-52 के बाद शेख अब्दुल्ला भी टेढ़े मेढ़े हो रहे थे। हम नेहरू जी को भी पता था कि कुछ भरोसा नहीं नेताओं का कब टेढ़े मेढ़े हो जाएं। मैं भी नेता हूं, मैं भी कहूंगा कब हम लोग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कुछ नहीं पता चलता, हमारी फितरत ही उसने ऐसी बनाई है। तो ये था कि कब टेढ़े मेढ़े हो जाएं। तो हमारा ये आर्ग्यूमेंट था कि हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि प्लेबिसिट इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान ने गैर कश्मीरियों को पाकिस्तान में भर दिया है, ठीक है। जब तक वो सब नहीं निकलेंगे हम वोटिंग नहीं करा सकते, क्योंकि ओरिजिनल कश्मीरी ही वोट कर सकता है। तो अगर हमारे लोग भी घुस जाते तो हमारे पास भी वो तर्क नहीं रहता। तो इस प्रोविजन से हम हमेशा ये कहते थे कि आज भी जो व्यक्ति है वो उसी कश्मीरी का वंशज है जो उस समय कश्मीर का नागरिक था। तो हमारी आर्ग्यूमेंट ये बन जाती है कि हमारी वोटर लिस्ट प्योर है, तुम्हारी वोटर लिस्ट झूठी है। तो सारे आर्ग्यूमेंट्स हमारे साथ थे। समय बदलता है, उसकी एक 370 की सार्थकता नहीं रहती है। तो इस समय आपने 370 हटा दिया तो ना इधर का है ना उधर का, सेम चीज है। मतलब 1960-65 तक जितने भी प्रोविजन स्पेशल प्रोविजन थे जम्मू कश्मीर के, वो धीरे धीरे सारे रिमूव कर दिए। दूसरा आप बात बताते हैं हैदराबाद की। देखिए हैदराबाद बेसिकली सरदार साहब हैंडल कर रहे थे, ठीक है। और जैसे मैंने कहा वो यही था, नेहरू जी इतने की नहीं थे कि आप फौजी एक्शन करें मानसून के पहले। बल्कि अगर आप देखेंगे कि बलदेव सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो भी इस बात से सचेत कर रहे थे कि आप अटैक नहीं करो। नेहरू जी बहुत ज्यादा कीन थे। तो समय का केवल डिफरेंस था, जिसको कहते हैं टेम्परामेंट का। कुछ लोग कहते हैं भाई कोई होता है दो भाई हैं, बाहर किसी ने गाली दी, एक भड़क के बाहर पहुंच गया, एक ने कहा चलो यार आराम से जाते हैं, इतना ही अंतर था। ये कौन कहता आपको कि अगर नेहरू जी होते तो क्या कश्मीर नहीं आता? दूसरा मैं ये आपको लाइन पढ़ना चाहता हूं, जो लाइन आप लोग जरूर सुन लीजिएगा। ये एक नाम बोल रहा हूँ कुमार का नहीं, देखिए अभी नाम याद आ जाएगा, जो जिन्होंने सबसे पहले जीडी करमाकर, जो सरदार पटेल के सबसे पहले एक तरीके से जीवनी उनकी लिखी है, 7-8 वॉल्यूम्स में लिखी है। तो 16 जूनागढ़ जब हमारे पास आ जाता है तो जूनागढ़ के अगले दिन जो है पटेल अराइव्ड इन जूनागढ़ 4 days आफ्टर ए सरेंडर, 4 दिन बाद पटेल साहब पहुंचते हैं और वहां बहाउद्दीन कॉलेज में एक बहुत बड़े जलसे को एड्रेस करते हैं। और ये हिंदुस्तान टाइम्स में अगर आप लोग देखेंगे तो 16 नवंबर की हिंदुस्तान टाइम्स में ये रिपोर्ट है और ये इनकी रिपोर्ट भी है। वो कहते हैं भाषण में, वो ये कहते हैं इफ हैदराबाद डज नॉट सी द राइटिंग ऑन द वॉल इट गोज द वे जूनागढ़ इज गॉन, अगर हैदराबाद नहीं समझा तो जो जूनागढ़ में हो रहा वही होगा। फिर सरदार साहब कहते हैं
पाकिस्तान अटेम्प्टेड टू सेट अप कश्मीर अगेंस्ट जूनागढ़। क्या हुआ था कि जब जिन्ना से इनकी बात हुई थी तो जिन्ना ने यह कहा था, क्या तुम जो है कश्मीर हमें दे दो, तुम जूनागढ़ ले लो। जिन्ना ने इनसे ये बात कही थी। पाकिस्तान अटेम्प्टेड टू सेट अप कश्मीर अगेंस्ट जूनागढ़। पाकिस्तान ने हमसे कहा कि यार जूनागढ़ और कश्मीर का हम आदान प्रदान कर लेते हैं। When we raised the question of settlement in a democratic way, जब हमने कहा कि नहीं सब जगह वोटिंग होना नहीं चाहिए, तो पाकिस्तान ने हमसे कहा कि हम ये that they would consider if we applied the policy to यही policy आप कश्मीर में अप्लाई। तो मेरी reply थी that we would agree to कश्मीर if they agreed to हैदराबाद, कि मैं कश्मीर देने को तैयार हूं अगर तुम हैदराबाद हमें दे दो। अब ये रणनीति है या देशद्रोह है, बताओ। जिन्ना को कहते हैं मैं कश्मीर दे दूंगा तुम हैदराबाद छोड़ दो, ये उनके सबसे बड़े जो क्रॉनिकलर हैं उसने लिखा है। आप समझ लो वेणुगोपाल जी कहेंगे राहुल जी क्या बोल रहे थे, ये उस टाइप का है। या आर के धवन कहेंगे इंदिरा जी क्या कह रही थी, या इंदिरा जी कहेंगे राहुल वो क्या कह रहे थे, या महादेव देसाई कहेंगे। ये सब चीजें, ये तमाम नेता मिलकर रणनीति के रूप में दूसरे को क्या कहना है क्या नहीं कहना है इन बातों से कह रहे थे। क्या सच्ची में हम लोग दे देते कश्मीर, तो क्यों हमने ऑफर किया? ये ऑफिशियल ऑफर है, माउंटबेटन की मीटिंग में ये ऑफर हुआ है। माउंटबेटन ने इसके बारे में कहा है, माउंटबेटन की एडीसी एलन कैंपबेल ने कहा है, माउंटबेटन का एक हिंदू सक्रिय था उसने यही बात कही है, लियाकत अली ने अपनी किताब में लिखी है, जिन्ना के मेमोर्स में है कि ये कश्मीर की ऑफर उन्होंने दिया था। तो ये सब बातें चल रही थी। ये कहना, हाँ ये जरूर है कि बार बार उसमें दिखते हैं सरदार साहब इस बात को कहते हुए कि हमें इमीडिएटली फोर्सेस जो है हैदराबाद भेज देनी चाहिए, और पंडित जी बार बार कह रहे थे कि भाई डिफेंस का इनकी बात करो, और जनरल रॉय कुचर जो हमारे ईस्टर्न एरिया के कमांडर इन चीफ थे वो बार बार कह रहे थे कि मेरे पास एडिक्वेट फोर्सेस नहीं है। और एडिक्वेट फोर्स उसके साथ देखिए एक और संदर्भ जो ये लोग नहीं समझाते हैं, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो आज तेलंगाना का आपने नाम सुना होगा और आपने ये शब्द सुना होगा नक्सली। नक्सली तो उस समय नहीं थे, आपको मालूम है तेलंगाना के 4 या 5 जिलों ने कम्युनिस्टों के अंदर एक स्वायत्त देश की घोषणा कर दी थी। ये किसी ने बताया आपको? 4 या 5 जिलों ने स्वायत्त भारत की एक स्थापना की थी जिसको कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी कहते हैं, करीमनगर आदिलाबाद इन 4 या 5 जिलों ने। तो वो भी वहां चल रहा था हैदराबाद के ऊपर। तो आप बताइए एक तरफ कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी हो रही है, एक अच्छा निजाम को छोटा मोटा राजा नहीं था, अच्छा खासा मोटा ताजा राजा, कंजूस था वो अलग बात, फिर रजाकार भी थे जिनकी 12-15-20 हजार की फौज थी। तो इस सब के कारण नेहरू का एक ज्यादा मेच्योर स्टैंड था, इनका ज्यादा स्ट्रेटेजिक स्टैंड था, यही अंतर था और कोई अंतर नहीं। मेरा आपसे एक सवाल था कि टू नेशन थ्योरी पर आपने कहा कि मुस्लिम लीग टू नेशन थ्योरी के फेवर में थी, लेकिन आप में जो ये कन्फ्यूजन है कि देश को ये भी पता चलना चाहिए कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक का जन्म हुआ था वो भी टू नेशन थ्योरी के फेवर में थी। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि 4 फरवरी 1948 को गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने RSS पर बैन लगाया, 2 साल के बाद वही मंत्रिमंडल का श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिख के बोलते हैं कि इनसे इस पे से पाबंदी उठाई जाए, जबकि टू नेशन थ्योरी में महात्मा गांधी पे प्रेशर लाया गया। क्या कारण था कि 2 साल के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चिट्ठी लिखने के बाद वो उनसे पाबंदी हटाई गई, ये थोड़ा कंफ्यूजन में क्लियर कीजिए। देखिए बिल्कुल सही, पहली चीज तो टू नेशन थ्योरी कोई मुस्लिम लीग की बपौती नहीं थी, बल्कि सबसे पहले 1860-65 के आसपास उसकी बात हुई, फिर थोड़ा बहुत सर सैयद अहमद खान जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया उन्होंने उसकी बात की, 1911 में कुछ बंगालियों ने इसकी बात की, 1920 में कोहाट में जो दंगे हुए थे, कोहाट में क्या हुआ था, एक किताब निकली थी रंगीला रसूल करके जिसमें मोहम्मद साहब के खिलाफ बहुत अश्लील बातें कही गई थी। तो कोहाट जो हिंदुस्तान में था उसमें बहुत बड़े दंगे हुए थे और उस दंगों से आहत होकर लाला लाजपत राय ने भी एक तरीके से कहा था कि भाई सतलेज के उधर मुसलमानों को भेज दिया जाए हताशा में। वही नहीं, सावरकर की जो किताब है हिंदुत्व की उसको अगर आप पढ़ें
बाकी उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा उसमें मैं नहीं जाता हूँ। सावरकर कहते हैं कि साहब चार चीजें महत्वपूर्ण होती हैं एक नागरिक और उसके देश के बीच में रिश्ते की, आप लोगों ने शायद सुना होगा, पितृभूमि कि हमारे पिताओं की भूमि हो, मतलब वंशजों में हमारे वंशज यहाँ रहे हों, तो उसमें तो मुसलमान हो हम हो कुछ दो चार अफगानी अफगानी इधर उधर से आ गए होंगे तो आ गए होंगे, बाकी तो सब यही के हैं। हमारी मातृभूमि होनी चाहिए जहां हमने जन्म लिया है, वो स्वाभाविक है हर धर्म की ये मातृभूमि है, आप क्रिश्चियन हो आप सिख हो आप जैन हो आप मुस्लिम हो। तीसरा उनकी ये कर्मभूमि होनी चाहिए, स्वाभाविक है भाई मैं ड्राइवरिंग करूंगा तो यही कर रहा हूँ, खेती करूंगा तो यही कर रहा हूँ, आईएएस बनाऊं तो ये बनाऊं, ये मेरी कर्मभूमि है। लेकिन चौथा उन्होंने पॉइंट बनाया कि वो उसकी पुण्य भूमि भी होनी चाहिए, और सावरकर ने ये कहा कि अगर आपकी वो पुण्य भूमि नहीं है तो कभी भी दिल से आप उस देश से उतना नहीं लगेंगे जितना वो लगेगा जिसकी पुण्य भूमि है। तो उसने कहा हिंदुओं की पुण्य भूमि यहाँ है क्योंकि अयोध्या यहाँ है और मथुरा यहाँ है और जो भी वेद यहाँ लिखे गए जो भी उन्होंने बात कही। सिखों की यहाँ है क्योंकि गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी यहीं पैदा हुए। जैनियों की यहाँ है क्योंकि भगवान महावीर उनके तीर्थंकर सब यहाँ पैदा हुए। बुद्धों की यहाँ है क्योंकि भगवान बुद्ध यहाँ पैदा हुए। लेकिन मुसलमानों की पुण्य भूमि मक्का है, तो कभी भी मुसलमान जो है हिंदुस्तान को अपना देश नहीं मानेंगे, इसलिए वो द्वयम दर्जे के या नागरिक के लायक नहीं। तो एक तरीके से टू नेशन थ्योरी की तो सबसे, और मेरा ये कहना कि भाई अगर आप कहते हैं कि वो यहाँ के नागरिक ही नहीं है तो इसका मतलब है मुसलमान इस देश में नहीं रह सकते। जब मुसलमान इस देश में नहीं रह सकते तो जिन इलाकों में उनका बाहुल्य है वहां से तो आप उन्हें भगा नहीं सकते, तो आप पार्टीशन की बात कर रहे हैं। तो वो तो ये लोग हैं जो सबसे पहले इन्होंने पार्टीशन, इसीलिए कोई ये नहीं कहता है कि हिंदू महासभा ने पार्टीशन एक्सेप्ट किया। तुम्हारी तो थियरी थी पार्टीशन में, तुम क्या एक्सेप्ट करोगे? मैं लड़का हूं ये तो मैं स्वीकार कर रहा हूं ना, ऑपरेशन करके लड़की बनू तो कहूंगा लड़की बनू ना, मेरे को लड़का स्वीकार करने में क्या, मैं तो हूं ही। तो कभी कोई इन पे नहीं सवाल पूछता है। और मैं तो एक हमेशा सवाल पूछता हूं, जब लोग कहते हैं ना कि गोडसे साहब बड़े पराक्रमी थे, मेरा ये था अगर आप पार्टीशन के खिलाफ थे तो जिन्ना को गोली मारते ना, जिन्ना को मारते तो पार्टीशन नहीं होता, उस बेचारे निहत्ते बुद्धे को क्यों मारा तुमने यार, इतनी हिम्मत थी। तो एक मुस्लिम लीग ही बता दो जिसको किसी हिंदू महासभा ने गोली मारी, एक बता दो साहब मुस्लिम लीग, एक प्रो पाकिस्तानी बता दो जिसको, अगर इतना पराक्रम था तो मारते ना। मैं हिंसा के साथ नहीं हूं, मैं तो ये नहीं कहता किसी की हत्या हो, इनकी भाषा में कह रहा हूं। फिर जो आप बात, एक दूसरा पॉइंट कौन सा था? हाँ सर, देखिए पहली चीज तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि जो नेहरू जी, जो पटेल को बार बार कहा जाता है, कई बार लोग कहते हैं कि पटेल उस तरीके से सेकुलर नहीं है, ये बात नहीं। देखिए पटेल क्या था, बड़े स्पष्टवादी थे, चारों तरफ के पटेल थे, तो उनकी भाषा जैसे हमारे यहाँ जाटों की भाषा होती है ना, माने जाते जाट बड़े मुंहफट होते हैं, मुझे और इलाकों का नहीं मानू, थोड़ा मुंहफट थे। और बार बार उन्होंने एक दलील दी थी जगह जगह पर कि भाई मुसलमानों को सामने आकर अपनी अपना राष्ट्रीयता जो है सिद्ध करनी चाहिए, अब आप लोगों को हिंदुस्तान हो गया पाकिस्तान हो गया। लेकिन उसी मीटिंग में हर जगह 8 या 10 भाषण का मेरे पास विचार, कलकत्ता की बात हो, ट्रावणकोर हो, बंगाल हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, बम्बई हो, मद्रास हो, सब जगह उन्होंने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटीज, उनकी लाइन है प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटीज इज माई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, सबसे बड़ी मेरी जिम्मेवारी है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके जो बायोग्राफर हैं खासकर राजमोहन गांधी जो सबसे बड़े, वो ये कहते हैं कि क्योंकि वो गुजरात से आते थे और जिस संदर्भ में वो पैदा हुए वो बड़े हुए, वो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर नहीं था, उसमें ज़्यादातर हिंदू थे, मुसलमानों का उस तरीके से प्रभाव नहीं था। नेहरू एक मिली जुली संस्कृति में पैदा होकर बड़े हुए थे, इलाहाबाद, इलाहाबाद की जो लोग इलाहाबाद जानते हैं, इलाहाबाद मिली जुली संस्कृति का बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसको लंबी चुबरी संस्कृति कहते हैं। इसलिए ये जिस संदर्भ में पैदा हुए इनके लिए हिंदू मुसलमान उनके समाज और उनकी जिंदगी का हिस्सा था। पटेल जी जिंदगी में बने उसमें मुस्लिम एक कॉन्सेप्ट था जो उनकी जिंदगी के बाहर का था, तो स्वाभाविक है कि जो आपके बाहर का होगा उसके बारे में जितनी भी रूमर होते हैं और चीज़, जैसे अंग्रेजों को हम उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते जितना हम एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि वे दूसरे देश दूसरे कल्चर के होते। तो जब बैन लगा था, बल्कि सरदार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान हिंदू स्टेट इज अ मैड आइडिया, 1946 में जी डी बिरला एक पत्र लिखते हैं सरदार साहब को कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करिए, तो उसमें बड़ा कड़े रुख से जी डी बिरला को कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया,
हमारे यहाँ माइनॉरिटीज है, हम कैसे हिंदू राष्ट्र बन सकते हैं, और हिंदू राष्ट्र बन के करेंगे क्या, होगा क्या हिंदू राष्ट्र बन के? तो उस तरीके से सरदार साहब का हिंदू राष्ट्र के बारे में या हिंदू उसके बारे में बिल्कुल क्लियर था। उनका केवल ये था कि भाई देखो अब हम सेकुलर हिंदुस्तान में, तो सेकुलर हिंदुस्तान का मतलब है कि जो तुम्हारा बैकग्राउंड रहा है, जिसमें वो बार बार कहते थे यूपी के मुसलमानों की तुमने पाकिस्तान के लिए वोट किया है, इस बात को भूल गए थे कि सबको थोड़ी वोट करना था, वो तो जो दो तीन चार परसेंट खर्च चलिए उसमें हम लोग नहीं जाते। जब 2 साल के लिए ये बैन हुए, ठीक है, तो ये हुआ था कि एक तो बार बार इस बार ये बात निकल कर आ रही थी कि गांधी जी की हत्या में हिंदू महासभा का ज्यादा रोल है, आरएसएस का उतना नहीं है, ये वो कह रहे थे, सही गलत मैं नहीं जा रहा हूँ। और आरएसएस के लीडर्स बार बार इस बात को कह रहे थे कि साहब आप हमको सुधरने का मौका दीजिए, वो काफी बुरी हालत में थे। दो तीन बार सरदार साहब ने अपने भाषणों में भी कहा था कि हिंदू महासभा तुम कांग्रेस ज्वाइन कर लो, उन्हें आरएसएस को ओपनली कहा यू आइदर ज्वाइन द कांग्रेस और डिसॉल्व योरसेल्फ, या तो कांग्रेस का हिस्सा बन जाओ या अपने आप को खत्म कर लो। तो आरएसएस उनके पास गई थी कि साहब हम सांस्कृतिक संस्था हैं, और उन्होंने फिर एक हलफनामा दिया था उनके सरसंचालक ने कि हम कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे, हम राजनीतिक बातों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे और कोई भी राजनीतिक काम नहीं करेंगे। दुर्भाग्य से उनका चरित्र ये रहा है कि जिसको वो देश के सबसे बड़े महानायक मानते हैं उसी के सामने दिए हुए हलफनामे को रोज हर रोज वो झूठा जो है साबित करते हैं। बैन हटाने में मैं आपको बताऊं, बैन भी नेहरू जी फेवर में नहीं थे, ठीक है। नेहरू जी देखिए एसेंशियली डेमोक्रेट थे और हम लोगों से ज्यादा बड़े डेमोक्रेट थे, एक लोकतांत्रिक व्यक्ति थे। उनका जब बैन भी लगा था उनका ये कहना था कि हमको आरएसएस को सड़कों पे हराना है, हमको उसे राजनीतिक रूप से हराना है, गांधी को सांप्रदायिकता ने मारा है, सांप्रदायिक संगठनों ने नहीं मारा है, नेहरू जी का ये कहना था। तो जब ये प्रपोजल आया तो नेहरू जी का ये कहना था ठीक है भाई 2-1 साल हो गया तुम डिसाइड करो, इसलिए वो बैन हटाया गया था। इन दोनों में एक फर्क था कि सरदार साहब मानते थे कि ये सांप्रदायिक संगठन है आरएसएस, नेहरू कहते थे ये फासिस्ट संगठन है, ये देश की प्रवृत्ति चार और चरित्र को बदलकर सत्ता का इस्तेमाल सांप्रदायिकता में करेगा, ठीक है। सांप्रदायिक संगठन और फासिस्ट सांप्रदायिक संगठन में यही अंतर होता है, ठीक है। आप सांप्रदायिक हो सकते हैं, वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और इसलिए वो बैन जो है रिवोक हुआ। लेकिन ये बात भी है कि जिस चीज पर उन्होंने दस्तखत करके जो कस्में खाई थी सरदार पटेल के सामने कि हम सांस्कृतिक संगठन रहेंगे, अब सांस्कृतिक संगठन तो वो कम से कम है मेरे हिसाब से, जो उसको संस्कृति कहते हैं उसमें तो नहीं। थोड़ा यार ख्याल रखना मेरा भी गला बैठ रहा है। सर नेहरू जी के बारे में हम तो जानते हैं कि गुरु जी चाय नहीं है, सर चाय मंगवा लूं अगर आप लोग बुरा ना लगे। नेहरू जी के बारे में जो हम जानते हैं कि वो राजनीतिक थे, स्वतंत्रता से सेनानी थे, उन्होंने जेल में कई साल बिताए थे जीवन, साथ ही साथ उन्होंने और एक काम किया, एक लेखक के तौर पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत एक खुद का भी लेखन किया है, कितना सारा रिसर्च उसमें हमने देखा है, कई प्रांतों का, कई राज्यों का, कई राजाओं का, देश की भाषाओं का, तो ये सब उन्होंने कैसा संतुलन बनाया ये एक बात है। और नेहरू जी की जीवन शैली पर जो टिप्पणी होती है जो क्रिटिसाइज किया जाता है, तो उन्होंने जो त्याग किया अपनी संपत्ति का, त्याग किया 3 मूर्ति भवन हो, चाहे दिल्ली की जमीन के बारे में बोला जाता है कि यहाँ पे संसद भारत बनी है, तो सारे बातों के ऊपर जो टीका टिप्पणी होती है उसके ऊपर भी आप देखिए उनके लेखन क्षमता पर तो इसलिए नहीं गया क्योंकि नेहरू और पटेल के बीच में था, लेखन में तो अद्भुत थे, ठीक है। और अगर आप उनको डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे उनकी, और मैं एक और चीज आपको बता दूं, लोग उनको भारतीय संस्कृति ना जानने वाला कहते हैं, सरदार साहब को कहते हैं पंडित जी धुरंधर थे संस्कृति, सरदार साहब नहीं थे पंडित जी, हमेशा हर जगह संस्कृत के श्लोक और उर्दू के शेर दोनों कोट किया करते थे, वो क्षमता सरदार साहब में नहीं थी। तो उनका उस मामले में चरित्र बड़ा था, देखिए एक तो मेहनती बहुत थे, कई बार पत्रों में लिखा है, एक पत्र में लिखा है नेहरू जी ने कि सरदार पटेल ने गांधी जी को कि मैं बहुत चिंता कर रहा हूँ, नेहरू की तबीयत बिगड़ती जा रही है, ही इज बर्निंग द कैंडल फ्रॉम बोथ हैंड्स, अंग्रेजी में कहावत है ना कि दोनों तरफ से चिराग जलाए हुए हैं मोमबत्ती का, इतना ज्यादा काम करे, तो मेहनती बहुत ज्यादा थी, और जेल में भी इन्होंने देखा था, और दोनों बहुत इस मामले में मेहनती थे। जहां तक देखिए उनके जीवन चरित्र में 50 चीजें हैं, अब देखिए ये तो झूठ की तो कोई सीमा नहीं है, आपने कई बार देखे आता है कि वो सिगरेट पीते थे, सरदार साहब भी सिगरेट पीते थे, सरदार पटेल वॉज अ चेन स्मोकर, तो क्या हो गया, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ स्मोकर,
सुभाष चंद्र बोस का, बल्कि उनके एक नेफ्यू का एक संदर्भ है बड़ा सुंदर, कि मैं एक बार ये 52 या 54 की बात है, वो जब भी आते थे दिल्ली तो सरदार साहब उनको बुलाते थे, शिशिर कुमार बोस के जो बेटे थे, उनके बड़े भाई के बेटे थे, तो वो जब भी बुलाते थे तो सरदार साहब वो आते थे। तो उन दिनों नेहरू जी बात कर रहे थे, किसी चीज़ में बड़े टेंशन में थे, तो कहने लगे कि डू यू स्मोक, बिकॉज सुभाष यूज टू स्मोक विथ मी, ये कहा कि सुभाष मेरे साथ स्मोक किया करते थे, एंड आई डोंट हैव सरदार ऑल्सो एनी मोर टू स्मोक, ये उनके स्टेटमेंट है। फिर उन्होंने उससे पूछा डू यू स्मोक, ही सेड ओकेजनली, तो सरदार पंडित जी ने उनको सिगरेट दिया, कहा टुडे इज ओकेजनली। तो अब आप सिगरेट को मान लें कि किसी बुरे चरित्र की निशानी है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने देखा होगा 5-7 तस्वीरें दी जाती है उनकी महिलाओं के साथ, अब उसमें 2 उनकी बहनें हैं, 2 उनकी भतीजियां हैं, फिर ये कहा जाता है कि लेडी माउंटबेटन के साथ उनके बहुत से रिश्ते हैं। अब जिसका कोई प्रूफ नहीं है, आप जो चाहे कह लो, बल्कि बीपी मेनन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब 3 जुलाई का पार्टीशन प्लान फाइनल हो रहा था तो एक डिकी प्लान लेकर आए थे लॉर्ड माउंटबेटन, डिकी प्लान के बिल्कुल खिलाफ थे नेहरू, सरदार साहब बड़े चिंतित थे कि यार नेहरू जी अड़ गए हैं, तो बात समझेगी नहीं, लेकिन सरदार साहब इनके साथ थे, क्या कहते हैं नेहरू जी के साथ थे, तो लेडी माउंटबेटन ने उसमें रास्ता निकाला, सरदार साहब को फोन किया और कहा कि आप बीपी मेनन को भेजो, किताबों में है। फिर बीपी मेनन गए और बीपी मेनन ने बैठ के फिर माउंटबेटन को समझाया और जिस तरीके से पार्टीशन प्लान नेहरू जी चाहते थे उस तरीके से पार्टीशन प्लान बना। तो मैंने कहा आप किसी के चरित्र को, जैसे पेरिस में धुलने जाता है, ठीक है, ये किसी को नहीं पता है कि इलाहाबाद में एक ड्राई क्लीनर की दुकान थी जिसका नाम था पेरिस ड्राई क्लीनर्स, वहां जाया करते थे कपड़े, अब आप उसको पेरिस मान लो तो कोई क्या माने, सरदार साहब के कपड़े जाते थे बंबई धुलने, ये नहीं कोई बात करता, और सरदार साहब खुद इस बात को मानते हैं। मैंने कहा था सरदार साहब देखो ये सब था गांधी जी से जुड़ने के पहले, गांधी जी से जुड़ने के पहले ब्रिज खेलते थे भाई सरदार पटेल, मैंने कहा वो कहते थे गांधी ये पागल टाइप का आदमी है, लेकिन जब मिले बदले तो उसके बाद बिल्कुल दूसरे तरीके के हो गए, फिर बिल्कुल गांधीयन और सिंपल लाइफ इन्होंने जी। तो इन सब के देखो कमाल की चीज ये थी कि आप इन लोगों का बैकग्राउंड देखिए, कहाँ से आए और फिर कहाँ चले गए, ठीक है, और था संपत्ति थी भाई, मोतीलाल नेहरू हिंदुस्तान के सबसे बड़े लॉयर्स में से थे, मतलब आप समझ लो आज जो कपिल सिब्बल होंगे या अरुण जेटली जी थे या अभिषेक मनु सिंघवी होंगे, इस तरीके का वो कमा करते थे, बहुत कमाते थे, उस सबको त्याग करके वो सामने आए, तो त्याग में तो कोई दो राय नहीं है। और एक और है कि अगर मैं अपने पैसे से कहीं भी कपड़े धुलवाऊं तो क्या होगा, बात सादगी उसकी नहीं, बात आपके विचारों की, तो ये बात नेहरू जी के बारे में बहुत चीजें कही गई, लेकिन मतलब कोई उसमें ना, बल्कि लेडी माउंटबेटन की बेटी पामेला माउंटबेटन की एक किताब है जिसमें वो कहती है कि हमेशा मैं उसको अंकल मानती थी, वो जब भी आते थे मैं उनके साथ खेलती थी, 7 या 8 उन्होंने बात बताई है जब वो घर आए डिस्कशन करने के लिए, तो वो जिस तरीके से उनके बारे में बात बताती है एक जैसे एक क्लोज अंकल की तरह होता है, उस तरीके से उन्होंने रेफर किया। अब आप उसमें कुछ और पढ़ना चाहो तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, आप खड़ी हैं यहाँ, मैं आपके साथ बैठ के 2 मीठे शब्द बोलूं, अब आप उसको जो चाहे बोलो, महिला है ये बेचारी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगी क्योंकि मैं महिला से बात कर रहा हूं, अगर मैं पुरुष से बात करूं तो सब चीज ठीक है, मेरे मन में कोई गलत भाव नहीं, लेकिन मैं महिला से बात करूं तो ओपन टू इंटरप्रिटेशन, जैसे इसका तो कोई जवाब दे ही नहीं सकता। वो इंचार्ज दिया जल्दी पूछ लेना, मैं अकेला बचूंगा नहीं तो हॉल में। ऐसे पूछ लेता हूँ, माइक नहीं, ये आखिरी सवाल रहेगा सर, कभी लौटने का भी मौका देना चंद्रपुर सर, अभी पूछ रहा हूँ, संदीप जी नमस्कार, मेरा ये सवाल नहीं है, जानकारी चाह रहा हूँ आपसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब इस देश की आज़ादी में लड़ रहे थे और बहुत दिनों तक वो कांग्रेस में भी रहे, तो क्या वजह था जो उनको कांग्रेस छोड़ना पड़ा या कांग्रेस से जाना पड़ा? ये लंबा सवाल है,
लेकिन इसको मैं छोटे में जवाब दे देता हूँ। हरिपुरा कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का ज्यादा झगड़ा कांग्रेस की हाईकमान से था, बल्कि उनके अगर आप जो पत्र लिखेंगे और वो पत्र जो भेजते हैं उस समय में नेहरू जी को, वो बार बार कांग्रेस हाईकमान की और कांग्रेस राइट विंग की दक्षिण पंथियों की बात करते हैं, और उनके खिलाफ थे सरदार पटेल, राजा जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके बीच में कभी बनी नहीं। जब इनकी खत्म हो जाती है पीरियड, तो उसके बाद त्रिपुरी कांग्रेस में ये फिर अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो बल्कि वो भी मेरे लैपटॉप में आप अगर समय निकालो तो मैं सारे आपको वो दस्तावेज दे दूंगा। इनके और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में बहुत पत्र व्यवहार होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनसे कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रथा नहीं है दोबारा अध्यक्ष बनने की, तो वो नेहरू जी का नाम कोट करते हैं। तो उनसे बताया जाता है कि वो 36 के चुनाव थे, स्पेशल सर्कमस्टांसिस थे, इसलिए आप नहीं बन सकते हैं। वो बार बार इनको लिखते हैं कि नहीं आप हमको अध्यक्ष बनने दीजिए। तो फिर क्या होता है कि जब चुनाव होता है उसमें सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीतते हैं, उसके जीतने के बाद ये जो वर्किंग कमेटी चुनकर आती है, क्योंकि कांग्रेस में दो सिस्टम्स थे, प्रेसिडेंट अलग चुना जाता है और कांग्रेस के जो AICC के मेंबर हैं वो वर्किंग कमेटी चुनते हैं, ठीक है। आज की तरह मनोनीत नहीं होता, कुछ मनोनीत होते हैं। तो जो वर्किंग कमेटी चुनकर आई वो सरदार पटेल, राजा जी और इन लोगों की मेजोरिटी की थी। वो जब चुनकर आती है, गांधी जी उस समय एक सार्वजनिक बयान देते हैं कि ये मेरी डिफीट है, क्योंकि गांधी जी ने उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया था। तो ये सारी वर्किंग कमेटी रिजाइन कर जाती है। सरदार उसमें केवल पंडित नेहरू एक अकेले व्यक्ति थे जो रिजाइन नहीं करते। फिर ये क्या करते हैं, ये बार बार पत्र व्यवहार लिखते हैं। तो उस समय इनके और नेहरू जी के बीच में थोड़ी सी कटुता शुरू होती है। नेहरू जी इनको एक पत्र लिखते हैं, वो कहते हैं कि आप सब कुछ ठीक है जो आप कह रहे हो, लेकिन आप ये जो बार बार कांग्रेस राइट विंग और कांग्रेस हाईकमांड की बात कर रहे हो, ये आप गलत कह रहे हो। एक तरीके से नेहरू जी सरदार पटेल, राजा जी और राजेंद्र प्रसाद के साइड में खड़े होकर सुभाष चंद्र बोस से एक तरीके से झगड़ा लेते। आप दस्तावेज पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा लंबे चौड़े। तब जब इनको लगता है कि इनका कोई काम नहीं हो पा रहा है, और वो ये कहते हैं कि अगर गांधी जी ने कहा है कि इनके खिलाफ है, तो मैं गांधी जी के खिलाफ नहीं जा सकता हूं। और फिर सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस से की प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा देते हैं, और उसके बाद एक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, एक लेफ्ट विंग यूनिट कांग्रेस के अंदर। तब उनसे कहा जाता है कि कांग्रेस के अंदर में आप ये नहीं बना सकते, क्योंकि तब तक तमाम कांग्रेस के रेजोल्यूशन आ गए थे कि आप डुअल मेंबरशिप नहीं रख सकते। ये शुरू हुआ था पहले से कि क्या हुआ था, एनजी रंगा कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे जो किसान सभाओं के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और किसान सभा जो थी, किसान यूनियन, वो कांग्रेस की AICC सेशन के पैरेलल में किसान कांग्रेस रखा करती थी। और अगर कांग्रेस के सेशन में 2 लाख आदमी आता था तो वहां 4-5 लाख आदमी आता था। तो कांग्रेस ने कहा था आप डुअल मेंबरशिप नहीं रख सकते हो, क्योंकि अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। उन्होंने तो इसलिए कहा था क्योंकि AICC सेशन सीरियस सेशन होते थे, उसमें नीति निर्णय होता था, तो पब्लिक मीटिंग थोड़ी होती थी। तो इस कारण से फिर सुभाष बाबू ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। और उस समय सुभाष बाबू को लगने लगा कि जो भारत की आजादी का आंदोलन है ये स्लो चल रहा है, और उनका जो कहना जो वो ये कहना था वो ये था कि भारत में अब तमाम जितने भी संगठन हैं सब आजादी की तरफ कांग्रेस के कारण झुक गए। सिर्फ एक संगठन बचा है जो अभी भी बर्तानिया सरकार के प्रति एकदम कर्तव्यनिष्ठ है, वो है आर्मी। तो हमें उसमें भी थोड़ा सा चल के उसको शेक करना पड़ेगा। उस समय दूसरा विश्व युद्ध डिक्लेयर हो गया था। लेकिन आप सरदार पटेल की जो भावनाएं हैं कांग्रेस के प्रति उसको देखिए। जब वो इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं तो उसमें तीन वो बड़ी टुकड़ियां बनाते हैं, चार टुकड़ी बनाते हैं। वो चार टुकड़ियों के क्या नाम थे किसी को पता है? गांधी ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। दूसरा क्या होता है कि वो जो ये शब्द है फादर ऑफ द नेशन, ये किसने दिया था? ये नेताजी ने दिया था एक मीटिंग। एक और है नेताजी जब 45 से 46 में एक उनके जो आखिरी भाषण है उसमें जब वो कहते हैं, तो वो आगामी फौज को एड्रेस करते हुए, ये रेडियो पर रिकॉर्डेड है, वो ये कहते हैं कि आज तक मैं तुम्हारा नेता रहा हूं, जिस दिन हमारी सेना भारत की सरहदों को पार कर जाएगी गांधी तुम्हारा नेता होगा। तो
था इनमें मतभेद, इनमें अलग अलग ग्रंथ। देखिए इतना बड़ा देश था, एक तो क्या है कि ये सब वो नहीं थे, अंधभक्त नहीं थे इनमें से कोई, और तभी बड़े लोग थे। आज इनकी हम गाथा इसलिए गाते हैं क्योंकि तो एक दूसरे के अंधभक्त नहीं थे, सब देश प्रेमी थे। कभी किसी ने कोई रास्ता अपनाया तो कभी किसी ने कोई रास्ता अपनाया, कभी न किसी, लेकिन कभी भी इनके मन में एक दूसरे पे वैचारिक रूप से तो टिप्पणी थी। आप मुझे एक संदर्भ, जैसे आपने नेहरू जी के बारे में 50 कहानियां बीजेपी की सुनी होगी कि महिलाओं के साथ इनका ऐसा, गांधी जी ये करते थे, फलाना मीट खाते थे, फलाने दुराचारी थे। एक बड़े नेता की बात बता दीजिए जिसने कोई भी ओछी बात किसी दूसरे नेता के बारे में कही हो, एक संदर्भ बता दीजिए मुझे, एक संदर्भ। कम से कम हमारे पास 50-100 विभूतियां थी जो जिसने देश को आजादी दिलवाई, कोई कही, एक संदर्भ बता दीजिए जिसमें इन्होंने किसी दूसरे के बारे में एक भी हल्की बात कही। जो बात कही गरिमा से कही, अगर नाराजगी थी तो नाराजगी जताई, कभी एक दूसरे के सामने छल कपट नहीं किया। ये नहीं था कि सामने कुछ कहा पीछे कुछ कहा, जैसे मैंने कहा कि जब नाराजगी का पत्र नेहरू लिखते थे तो सीसी टू पटेल लिखते थे, जब पटेल लिखते थे तो सीसी टू नेहरू लिखते थे। एक बार तो दोनों ने एक दूसरे को इस्तीफा भेजा, आपको पता है नेहरू जी ने प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने का पत्र सरदार पटेल को भेजा और कहा नीचे कि आई ओनली एक्सेप्ट योर अथॉरिटी टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन, अगर किसी के पास मेरा इस्तीफा करने का अधिकार है तो तुम्हारा है और किसी का नहीं है। ये आपस में इनकी थे, अलग अलग रास्ते थे, अलग 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 गए। लेकिन अब जैसे सुभाष बाबू के बारे में, इनको हिंदू हृदय सम्राट माना जाता है, इनकी इनकी इनका आपने झंडा देखा था, झंडा में कूदता हुआ शेर है, ये शेर कहां से लिया था इन्होंने? जो कूदता हुआ शेर है किसका, किसका कूदता हुआ शेर है? टीपू सुल्तान का, जिसको आज बिल्कुल उल्टा सीधा माना जाता है। खुद उन्होंने कहा कि दिस इज द सिंबल ऑफ टीपू सुल्तान। जब रंगून गए तो सबसे पहले काम उन्होंने क्या किया हिंदुस्तान में लौटने के लिए, किसकी कब्र पे जाके सजदा दिया? भारत का आखिरी शहंशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जो उन्होंने ऐलान किया है दिल्ली चलो, फेमस लोगों ने दिल्ली चलो, बहादुर शाह जफर के कब्र पे जाके उन्होंने कहा था दिल्ली चलो। तो इनके इनकी जो सुभाष बाबू के जो तीन, जैसे हमारा सत्यमेव जयते है उसमें उनकी जो तीन है, एतमाद, तीन शब्द तीनों उर्दू के, जो तीन उन्होंने तीन का शब्द बोलना कोई आप गूगल करके देख लीजिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी का जो वो है तीनों उर्दू के। अभी आपने देखा होगा, छोटी छोटी मैं कहानियां बता रहा हूँ, आपने देखा होगा कि गांधी जी की एक फेवरेट हिम होती थी क्रिश्चियन हिम अबाइड विथ मी, बजती होगी जो उस पर जो ये 26 जनवरी के बाद जो कार्यक्रम होता है वो बीटिंग रिट्रीट में पिछले 70 साल से बैंड जो है, एक गांधी जी की एक बड़ी प्रसिद्ध उनकी कविता थी अंग्रेजी की अबाइड विथ मी, उसको बजाते थे। तो हमारे इस सरकार ने अबाइड जिसने वो हिम गांधी जी को सुनाई। एनी मोर क्वेश्चन? आप भैया को जो गले का डॉक्टर हो तो बुला लेना। नहीं बट मैं पहले बड़ी विनम्रता से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना समय मैं एक पे धन्यवाद कर लूँ फिर आप से पूछ लेना। ठीक है, 3 घंटा कंटिन्यूअस सर खड़े रहे और ये धन्यवाद मुझे लगता है बहुत ही छोटा शब्द है सर के लिए। आप लोग भी काफी समय से बैठे हैं, बस अब 2 मिनट के लिए और रुक जाइए। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए, हम आगे का औपचारिकता को आगे बढ़ाते हैं हमारे कार्यक्रम के, और मैं रामकृष्ण कुंद्रा जी को आभार प्रदर्शन के लिए निमंत्रित करती हूँ। ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूंगा। मैं सबसे पहले दीक्षित साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप चंद्रपुर हमारे एक ही निमंत्रण पे आने के लिए तैयार हो गए, जबकि आपको चंद्रपुर पता भी नहीं था, गूगल करना पड़ा कि चंद्रपुर आता कहाँ है, पढ़ता कहाँ है।
और आपने ये खुद से ही कह दिया था कि मैं बस पहुंच रहा हूँ, कि ये नहीं कि मैं कैसे आऊँगा, कहाँ आऊँगा, मैं ट्रेन में आऊँगा, प्लेन में आऊँगा, कार से आऊँगा, जैसे भी आऊँगा मैं पहुँच जाऊँगा। तो इतने बड़े व्यक्तिमत्व का ये रवैया रहना, मतलब हमारे लिए भी शॉकिंग था कि कोई इतना बड़ा इंसान इतना विनम्र कैसे हो सकता है, यह हमने सीखा आज आपको देख के। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही ये प्रोग्राम मनाने के लिए हमारे शहर के कुछ लोग जिन्होंने मैडम, नम्रता मैडम, अश्विनी भाई, ये कुछ लोग हैं जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, ये हमारे, तो हम इन सबका धन्यवाद देते हैं और इसके साथ प्रोग्राम का समापन करते हैं राष्ट्रगान। और हाँ, ऑडियंस भी 3 घंटे, मतलब ऐसा लग रहा था कोई मधुर संगीत चल रहा है सर, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था बस बोलते जाओ खत्म ना करो, लेकिन समय की मर्यादा देख के हमको खत्म करना पड़ेगा, तो हम राष्ट्रगीत के साथ खत्म करेंगे। सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। इस कारण से आप बैठे रहे थे नहीं, लेकिन राष्ट्रगान का भी मैं बता दूं, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार राष्ट्रगान को इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, असेंबली में, तो उन्होंने कहा था कि ये वही राष्ट्रगान है और इसका चयन हमने इसीलिए किया है क्योंकि इसका धुन, इसका हिंदी का अनुवाद और उसको सबसे पहले इंडियन नेशनल आर्मी ने गाया था सुभाष चंद्र बाबू की आर्मी। सावधान राष्ट्र भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाए तव जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। आपको क्वेश्चन हुआ भोपाल मगर ठीक है अच्छा ठीक है बराबर इधर देखिए ठीक है पिंटू भैया छुप रहे हैं नहीं पिंटू भैया आ रहे हैं पिंटू भैया इधर देखो कैमरे के तरफ आए इधर देखिए कैमरे के तरफ पिंडू भाई तुम्हारे